चित्रकूट धाम में जो कुछ व्यवस्था हुई है उसमें हमें नगर परिषद तथा पुलिस विभाग के द्वारा बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है। अन्य संस्थाओं से भी हमें सहयोग मिला है। जिन जिन संस्थाओं से हमें सहयोग प्राप्त हुआ है उन सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी श्री राम धाम रामायण मंडल ट्रस्ट के ऐसे आयोजन होंगे, हमें इसी प्रकार और इससे अधिक उनसे सहयोग प्राप्त होता रहेगा। राम 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 राम
ये जो आयोजन हुआ है श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के तत्वावधान में, 8 साल के प्रयत्नों के पश्चात बापू की कृपा हुई, बापू यहाँ पधारे, बापू के पधारने से चित्रकूट धाम का निर्माण हुआ, पावन स्थली बनी। 9 दिन तक आपको श्री राम कथा का रसास्वादन मिला, और बापू की यह कृपा नहीं होती तो इस 50,000 श्रोताओं को ये अमृतमय लाभ कभी भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए सबसे पहले मैं आप सबकी ओर से बापू के चरणों में आभार प्रकट करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। बापू महान से महान व्यक्तित्व रखते हैं, और जब पहला निवेदन हमने किया था बापू से, बापू का एक ही प्रश्न था, आपके श्री राम कथा कराने का हेतु क्या है। हमने तुरंत बापू से निवेदन किया कि ऐसा ही प्रश्न हमारे पूज्य डोंगरे जी ने किया था कि आपके भागवत जी की कथा कराने का हेतु क्या है। उस वक्त हमारे मस्तिष्क में एक अन्य क्षेत्र की कार्यक्रम की योजना थी, और श्री डोंगरे जी के प्रताप से वह कार्यक्रम चल पड़ा, और सन 1984-85 से 84 दिसंबर में वह कथा हुई थी, और सन 1985 से वह कार्यक्रम हमारे श्री रामधाम में अनवरत चल रहा है। हमने बापू से निवेदन किया कि हमारे वहाँ एक छोटी सी गौशाला है और व्यवस्थित नहीं हो पा रही है। बापू ने इसको स्वीकार किया और कहा कि अच्छा। हमने कहा एक और इच्छा है, अस्पताल में कई रोगी बिना दवा के रह जाते हैं, हो सकता है कि उनको जीवन दान मिल जाए, कुछ दवाओं का प्रबंध हो जाए तो जीवन दान मिल सकता है, इसलिए बहुत बड़ा पुण्य का कार्य हो सकता है। हमने दूसरा हेतु बापू के समक्ष रखा, रोगी सेवा। रोगी सेवा और गौ सेवा का हेतु रखते हुए बापू ने हमारे भिलवाड़े के श्री राम कथा के प्रस्ताव को स्वीकार किया। ये जरूर है कि जो निश्चित तारीख थी 5 मई 1991, किंतु चुनाव की वजह से वह तारीख 1 साल आगे बढ़कर हमारी 16 मई 1992 को रही। तो मैं बापू के प्रति क्या कृतज्ञता प्रकट करूं? बहुत ही तुच्छ व्यक्ति हम हैं, किंतु कृपाघात कृपा के सागर हैं, और उस सागर की एक बूंद हमें मिल पाई हमारा सौभाग्य है। इनकी कई बूंदें देश विदेश में भाग्यशाली व्यक्तियों को, सौभाग्यवान समाज के प्रतिनिधियों को मिल पाती है, उनमें से हम भी एक हो गए, उस कड़ी में हम जुड़ गए। मैं पुनः आपके प्रति हृदय से, मन से, भाव से, श्रद्धा से पावन नमन करता हुआ मैं इस और दूसरी ओर बढ़ रहा हूँ। इस पांडाल में जो कार्यक्रम हुआ है, इस पांडाल में जो चित्रकूट धाम में जो कार्यक्रम आज हुआ है, 9 दिवसीय कार्यक्रम आज संपन्न होने जा रहा है, इसमें हमें कई संस्थाओं का योगदान मिला है। जिला प्रशासन और पुलिस का योगदान तो रही है, तभी आप सब कुछ व्यवस्थित होकर इस श्री राम कथा का लाभ ले सके, आनंद ग्रहण कर सके। किंतु ये 4 चांद जो लगे हैं इस कार्यक्रम में, उस 4 चांद में हमारे सबसे बड़ा चांद लगाने वाला एक नगर परिषद है। नगर परिषद के सभापति, उसके कर्मचारी, उसके पदाधिकारी, उसके पार्षद, सभी ने बहुत, जो कहना नहीं होगा, शब्द नहीं मेरे पास, ऐसा योगदान दिया। मैं सोचता हूँ कि पानी तो उन्होंने टंकियों में भरा है, किंतु पानी की सरिता उन्होंने पांडाल के चारों ओर बहा दी है, बिजली की व्यवस्था उन्होंने की है। हमें बिजली और पानी और सफाई की व्यवस्था में हम नगर परिषद के सहयोग को कभी नहीं भुला सकते, और आशा करते हैं कि ऐसे सामाजिक समारोहों में सभी जहाँ जहाँ भी भिलवाड़े में होते हों, नगर परिषद का ये उत्तरदायित्व बराबर वो निर्वाह करते रहेंगे। इसके साथ ही समाज सेवी संस्थाओं से भी हमें योगदान मिला है, हमारे बहुत स्वयं सेवकों से भी हमें व्यवस्था बनाने में योगदान मिला है। मैं उन सब के प्रति, सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों के प्रति, सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के प्रति, श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं के प्रति तथा सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। महाराज श्री पधार गए हैं, और हम सलेमाबाद बाद पहुँच कर महाराज श्री से निवेदन किया था। वैसे तो महाराज श्री
श्री जी महाराज के कर कमलों द्वारा इस श्रीराम कथा का उद्घाटन होना था, किंतु 16 तारीख एक ऐसी तारीख थी जो कि शाही स्नान पुष्कर उज्जैन में शाही स्नान का दिवस था, इसलिए वह उद्घाटन आपके कर कमलों से न होकर आज की पूर्णावति आज आपके कर कमलों से होने जा रही है। तो महाराज श्री पधार गए हैं, मैं अब विशेष समय नहीं लूंगा। एक सूचना और आपको देता हूं, आज रविवार है, हमारे श्री रामायण मंडल के कार्यक्रम के अनुसार रविवार का पाठ, रामायण जी का पाठ हमने यहीं रखा है आज पांडाल में। दोपहर 2:30 बजे श्री रामायण जी का पाठ, आज श्री रामायण जी के कार्यक्रम पाठ का कार्यक्रम 2:30 बजे इसी पांडाल में होगा, आप सभी उसका आनंद लीजिए। तथा मैं पुनः उन सब संस्थाओं के प्रति, सब कार्यकर्ताओं के प्रति जो भूल से मैं नाम न ले पाया हूँ, फिर भी वे समझें कि मैं अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहा हूँ, कि मैं आभार इस संस्था की ओर से प्रकट करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। श्री राम धाम रामायण मंडल ट्रस्ट आप सबके प्रति बहुत आभारी है, और अंत में आपके प्रति जो आप इतनी संख्या में पधारे और हमारे पांडाल का सदुपयोग किया और श्री राम कथा का आनंद ग्रहण किया। अगर पांडाल सुना रहता, कम खाली रहता, तो हमें बड़ी निराशा होती। आपने हमारा हर्षवर्धन किया, हमें बहुत ही एक बड़ा मोटिवेशन, एक बहुत बड़ा यूँ कहिए उत्साह आपने हमें दिया है कि हमें पांडाल को बढ़ाना पड़ा। पांडाल के बढ़ाने से आपको जो सुविधा मिली और आपका जो सहयोग हमें मिला, उसके लिए हम आभारी हैं। इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर मैं और कुछ नहीं कहकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और पांडाल व्यवस्था के जो ठेकेदार हैं, और माइक जो हमारे गुणवंत भाई हैं जिन्होंने हमें कुछ भी तकलीफ नहीं होने दी, इशारे से काम किया, उन सब के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। श्री पूज्य श्री श्री जी महाराज जो कल ही भीलवाड़ा में पधार गए थे और उसकी सूचना हमें फोन से मिल गई थी, और आज का पूर्व निश्चित कार्यक्रम था कि पूर्णावती श्री महाराज श्री जी महाराज के कर कमलों से होना है, मैं हमारे निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वे आशीर्वचन देकर हमें अनुग्रहित करें। चंद्र रघुनाथ जगच्छरण्य राजीव लोचन धनुर्धर रावणारे सीतापते रघुपते रघुवीर राम त्रायस्व के सब हरे शरणागतम माम श्री कृष्ण पाद युगलम शिरसा नमामि यत्रान्वितश्रुतिगणो न विरोधमेति यद्ध्यानयोगनिरतास्ते दाप्नुवन्ति केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा गिरा च यत्सम्प्रदायाश्रयणान्नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दे प्रेमागरीयान् सहसाभ्युदैति निम्बार्कमेतं शरणं प्रपद्ये। भगवत चरणारविंद मकरंद सेवन परायण समस्त
संत महात्मा विद्वत वृंद तथा परम भावुक भक्त महानुभाव। यों तो ये भारत की रम्य वसुंधरा परम पावन है। जिस परम रमणीय वसुंधरा पर सुरवृंद भी मनुज शरीर से जन्म लेने के लिए सर्वदा उत्कंठित रहते हैं, लालायित रहते हैं। उस राजस्थान, उसमें भी राजस्थान की धरा, इस भारतवर्ष में भी राजस्थान की धरा अपना अन्यतम महत्व रखती है। यहाँ भक्तिमती मीरा ने जो भक्तिरस की दिव्य धारा प्रवाहित की है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जित देखूं तित श्याममयी है, ये मीराबाई की दिव्य भावना, उनका सरस जीवन, भक्तिरस पूरित उनका जीवन कितना अनुपम है। जहाँ जिस क्षेत्र में एक भी भगवत भक्त अपने उपासना से, आराधना से, अपने निष्ठा से उस क्षेत्र को पावन बना देते हैं, यदि वहाँ पर अगणित भक्त हों तो वहाँ उस क्षेत्र की, उस भूमि की महिमा और भी लोकोत्तर बन जाती है। आपके इस मेवाड़ क्षेत्र में जो भक्ति रस की धारा भक्तिमती मीराबाई ने प्रवाहित की, आज भी संपूर्ण विश्व उससे आलोकित है। यहाँ इस मेवाड़ की जो पावन भूमि है, इसकी जो दिव्य पावनतम रज है, वो रज सिर पर धारण करने योग्य है। जहाँ भगवान श्रीनाथ जी भी विराजते हैं इस भूमि पर, एकलिंग जी विराजते हैं, और इसके अतिरिक्त यहाँ के उज्ज्वल इतिहास ने सारे विश्व को ये बताया कि हम हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारे वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपनी परंपरा और नियमों की रक्षा के लिए किस प्रकार अपने आप को समर्पित भी कर सकते हैं। यह उदाहरण भी विश्व के इतिहास में मेवाड़ जैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। जहां 16,000 वीरांगनाओं ने अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। जब हम सब इस धरा में प्रवेश करते हैं, जब भी आते हैं, पुलकित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। आज इस परम पवित्र धरा के रमणीय करोड़ में अवस्थित इस भीलवाड़ा के परम पावन नगर में श्री राम कथा रस का आप सब पान कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 88,000 सोनकादि ऋषिगण बैठे हों और सूत जी अपनी दिव्य वाणी के द्वारा पुराणों का कथन कर रहे हैं। ऐसी आज ये अनुभूति प्रत्यक्ष हो रही है। यथार्थ में आप बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। हमारे शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है जो आपकी महिमा का, आपके आदर्श का हम कुछ भी किन्हीं शब्दों में गुणगान कर सके। हमारे युग संत श्री मुरारी बापू न केवल भारत के विभिन्न अंचलों में अपितु पर राष्ट्रों में जाकर के आपकी वैदिक परंपरा का, आपकी सनातन परंपरा का, आपके पुराणादि शास्त्रों का और मुख्यतः श्री रामचरितमानस का जो प्रचुर प्रचार प्रसार किया है,
वहां के लाखों लाखों परराष्ट्र के भक्तजन अनुपम रस का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, उनको प्रेरणा प्राप्त होती है। जिनका विभ्रांत जीवन है, जो भारतीय संस्कृति से, हमारे यहाँ के आध्यात्मिक दर्शन से सर्वथा अपरिचित हैं, उनका मार्गदर्शन आपके द्वारा होता है। और कितने व्यस्त जीवन में, माने निरंतर परिभ्रमण और इतना कष्ट सहन करके, यात्रा करके आपके भारतीय दर्शन का, आपके ऋषि मुनियों के जो दिव्य उपदेश हैं और हमारे शास्त्रों का जो दिव्य उद्घोष है, उन सब की प्रेरणा आपके द्वारा सर्वत्र होती है। आज उसी क्रम में ये अवसर आप सबों को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। भीलवाड़ा नगर के श्री राम कथा समिति मंडल के महानुभाव यथार्थ में परम धन्यवादार्ह हैं कि उन्होंने यथेष्ट परिश्रम करके, महनीय परिश्रम करके जो ये अनुपम दिव्य रसामृत पान करने का सबको अवसर प्रदान किया है। हम तो इस अवसर पर ये और चाहेंगे कि हमारे श्री मुरारी बापू जैसे आचार्य पीठ में आपने 2 वर्ष पूर्व अपना समय प्रदान किया, और उसी प्रकार एक बार पुनः आचार्य पीठ में भी ऐसा अवसर और मिले। हम समझते हैं कि हमारे ये समस्त भगवत भक्त जो सहस्त्रों सहस्त्रों की संख्या में यहाँ विराजित हैं, वो अपनी दिव्य मधुर करतल ध्वनि के द्वारा हमारे कथन का अनुमोदन कर रहे हैं। और ऐसा भी हम अनुभव करते हैं कि श्री मुरारी बापू भी अस्वीकृति की तो कोई बात ही नहीं है, सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। वो अपने कथा क्रम में कथारस सुधा का जिस समय अभिवर्षण करेंगे, उस अवसर पर कुछ न कुछ अपने भाव व्यक्त कर ही देंगे। और आपको स्मरण है कि हमारे इस भारत में आज वर्तमान समय में, सांप्रतिक समय में जो विभिन्न समस्याएं राष्ट्र में हैं, उनके निरोध के लिए भी आप समय समय पर प्रेरणा प्रदान करते हैं। श्री राम जन्मभूमि और श्री कृष्ण जन्मभूमि, भगवान विश्वनाथ भूत भावन जहाँ काशीपुरी को अलंकृत करते हैं, वहाँ भी उन समस्याओं के समाधान में भी आप समय समय पर अपने दिव्य भाव व्यक्त करते हैं, राष्ट्र के प्रशासकों को प्रेरणा देते हैं, संकेत करते हैं। ऐसा ये दुर्भाग्य का विषय है भारत के लिए, स्वतंत्र राष्ट्र में भी हम हमारी मर्यादाओं का, हमारी परंपराओं का, हमारे देवस्थानों की सुरक्षा का करना भी हमारे लिए दुभर हो रहा है, कठिन हो रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। स्वतंत्रता का अर्थ ही क्या होता है? केवल ये तो नहीं है कि हमें भौतिक साधन प्राप्त हो जाएं और हम स्वतंत्र हो गए, एतावान मात्र हमारा कार्य नहीं है। हमारी परंपरा की रक्षा हो, हमारी हिंदू संस्कृति की रक्षा हो, हमारी वैदिक परंपरा की रक्षा हो, हमारी सनातन परंपरा की रक्षा हो, हमारी मर्यादा की रक्षा हो, हमारे आदर्शों की रक्षा हो, हमारे देव मंदिरों की रक्षा हो, हमारे स्वरूप का रक्षण हो, हमारी गौ माता की रक्षा हो। जिस राष्ट्र में शास्त्र बतलाते हैं कि एक गौ माता का कहीं एक रक्त बिंदु भी कहाँ निपतित हो जाता है, इस भूमि पर गिर पड़ता है, तो वहां पर अनर्थ और उत्पात होते हैं, उपद्रव होते हैं। जिस राष्ट्र में 40,000 गौ माताओं का नित्य वध हो रहा हो, उस राष्ट्र का कैसे मंगल होगा, कैसे हित होगा, इस ओर भी किसी की दृष्टि नहीं हो रही है। उसके संबंध में भी हमारे मुरारी बापू बार बार उनको प्रेरणा देते हैं, उद्बोधन देते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं। हम तो चाहेंगे कि ऐसा सुंदर, इसके संबंध में हमारे भारत के जितने भी शीर्षस्थ महानुभाव हैं, जो जिनका धर्म ही जिनका जीवन का सर्वस्व है, ऐसे महानुभाव सब मिलकर के, और जितने भी धर्माचार्य प्रवर हैं, संत महात्मा हैं, और जितने भी इस
ऐसे निष्ठावान हैं, इस कार्य में संलग्न हैं, उन सभी का परम पावन कर्तव्य है कि वो ऐसा संशोधन। एक और समस्या है कि जिस जहां हमारी संस्कृति ये कहती है कि सर्वभूत हिते रतः, सर्वे कुशलिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये जहाँ दिव्य उदात्त उद्घोष हमारे यहाँ का रहा है, आप काम पूर्ण काम निष्काम योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा महात्मा परमहंस जनों का, उस राष्ट्र में आज आप पंजाब की समस्या देख रहे हैं, काश्मीर की समस्या देख रहे हैं, और भी आपके दक्षिण भारत की समस्याएं हैं, आसाम की समस्याएं हैं, ये जो राष्ट्र में भयंकर विभीषिका चल रही है, इन सब का निरोध सरकार नहीं कर पा रही है, प्रशासक समर्थ नहीं है। जिस राष्ट्र का प्रशासक व्यवस्थित नहीं हो, उस राष्ट्र का कैसे मंगल हो सकता है। राजा कालस्य कारणम, हमारे शास्त्रकारों ने बताया है कि राजा ही समय का कारण होता है, राजा का अर्थ होता है प्रशासक। कोई आपके किसी घर में आपका गृह स्वामी व्यवस्थित नहीं है, सम्यक नहीं है, तो वो घर भी अस्त व्यस्त हो जाता है, इसी प्रकार एक गांव भी अस्त व्यस्त हो जाता है, ऐसे एक विशाल क्षेत्र अस्त व्यस्त हो जाता है, और संपूर्ण राष्ट्र भी अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए वहां का प्रशासक इतना सुव्यवस्थित होना चाहिए जिससे राष्ट्र का हित और मंगल हो सके। आप देखें, हमारे रामचरितमानस से अनुभव करें कि हमारे उस समय के प्रशासक जो जगन नियंता सर्वांतरात्मा सर्वाराध्य, जो निखिल जगत अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, जो जगत जन्मादि हेतु हैं, जो निरति से सौंदर्य माधुर्य कारुण्य लावण्य मार्दवादि अनंत कल्याण गुणगण निलय है, वे प्रभु भगवान राघवेंद्र सरकार रामभद्र राजीव लोचन नयनाभिराम इस धराधाम को अपने युगल चरणारविंदों से संस्पर्श करके, अपने निरावरण चरणारविंदों का स्पर्श करके जिसको समलंकृत करते हैं, पावन बनाते हैं, वे प्रभु उनका दिव्य पावनतम चरित, उनके उस दिव्य लोकोत्तर चरित से आप अपनी संपूर्ण जीवन की शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। माता का स्वरूप कैसा हो, पिता का स्वरूप कैसा हो, भाई का स्वरूप कैसा हो, पत्नी का स्वरूप कैसा हो, पुत्र का स्वरूप कैसा हो, भृत्य का स्वरूप कैसा हो, ये संपूर्ण शिक्षाएं हमारे जीवन में जो अपेक्षित है, नितांततया अपेक्षित है, ये सब कुछ प्राप्ति आपको भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्र से प्राप्त हो सकती है। भगवान जो लीला पुरुषोत्तम अखिल रसामृत सार सिंधु रस विग्रह कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, भगवान निखिल भुवन मोहन सर्वेश्वर श्री कृष्ण चंद्र, उनकी जो ललित लीलाएं हैं, जो लोकोत्तर दिव्य चरित हैं, वो चरित आप चिंतनीय हैं, वो हृदय में अवधारणीय हैं, वो उपासनीय हैं, आराधनीय हैं, वो उनके चरित के अनुसार कोई अपने जीवन को चलाने का कोई चेष्टा करे तो उसके जीवन में अमंगल हो सकता है। उनका जो दिव्य लीला संबलित रसमय चरित है, मधुराति मधुर दिव्याति दिव्य, उसका हृदय में चिंतन किया जाए, और भगवान राघवेंद्र सरकार का जो पावनतम चरित है, आप अपने जीवन में उसे उतार सकते हैं। ये संपूर्ण शिक्षा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरित से हमें प्राप्त हो रही है, और वो रामचरित मानस के माध्यम से श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कृपा करके जो ये दिव्य रस का दान किया है, दिव्य उपदेश प्रदान किया है, किन शब्दों में व्यक्त करें, शब्दकोश में शब्द ही नहीं है जो गोस्वामी जी के संबंध में हम कुछ अपने भाव प्रकट कर सकें। एक भट्टी कवि हुए हैं संस्कृत जगत में, उन्होंने भगवान राघवेंद्र सरकार का बड़ा सुंदर चरित लिखा है, बड़ा सुंदर काव्य है, उसका प्रचार नहीं है। कल का प्रसंग यहां पर था धनुष भंग का, ऐसा हमको ज्ञात हुआ आने पर, संभवतः यही रहा होगा कार्यक्रम। तो जिस समय भगवान राघवेंद्र सरकार धनुष के लिए अग्रगण्य आगे हो रहे हैं, और महर्षि विश्वामित्र संकेत करते हैं कि आप पधारें, आपके लिए ये धनुष कोई कठिन नहीं है, क्योंकि बलिर बबंदे जलधिर ममंते जर्रे मृतम दैत्य कुलम विजिज्ञे कल्पांत दुस्ता वसुदा तथोहे
ये नहीं सभारोति गुरुर्न तस्य। बलि को आपने बांध दिया, उस सारे समुद्र का मंथन किया और अमृत को प्राप्त किया। देवताओं और असुरों में परस्पर में भयंकर युद्ध था। मोहिनी स्वरूप धारण करके जर्रे मृतम दैत्य कुलम विजिज्ञ, दैत्य कुलों का आपने संहार किया, आपके लिए धनुष क्या है? सामान्य बात। तो ऐसा सुंदर दिव्य कल का जो यहाँ पर पावनतम चरित का आप सबों ने श्रवण किया, हम वंचित अवश्य रह गए। प्रयास तो ऐसा था कि हम 4 बजे तक यहाँ पहुँच जाए, पर आचार्य पीठ से प्रस्थान करते करते लगभग 1:30 बज गए और मार्ग में भी तीव्र ताप के कारण से जहाँ तहाँ गाड़ी को रोकना पड़ा, जलपान आदि का भी कारण था। और फिर एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक ट्रकों का कारण हो गया, जिससे चलना दूभर हो गया, कठिन हो गया, कम से कम 15-20 मिनट वहाँ भी लग गए। यूँ करते करते भगते भगते यहाँ पर लगभग हम समझते हैं कि 6:30 या 7:45 तक पहुँचे। फिर जानकारी की तो बोले अब तो समापन का क्रम चल रहा है। तो ये हमारा, हम तो अपना दुर्भाग्य मानते हैं। कल का ये जो अवसर दिव्य, जो ये रसपान, ये जो अपने कर्ण रंध्रों में संप्रविष्ट होता, उससे वंचित रह गए। किंतु आज जो रस मिलेगा और भी अनुपम और भी अद्भुत, उस रस से हम सभी आप्लावित होंगे उस रसधारा में। और आप सब तो यथार्थ में कितने सौभाग्यशाली हैं जो इस ग्रीष्म के तीव्र ताप में भी और लंबे समय तक स्वस्थ चित्त से, समाहित चित्त से बैठ करके और इस दिव्य रस का पान कर रहे हैं अपने कर्ण रंध्रों से, परम सौभाग्यशाली हैं। आप सबों की सराहना तो देवता भी करते हैं, देवता भी करते हैं आकाश मंडल में। वो भी आश्चर्य करते हैं कि ये भगवत भक्त, असंख्यों भगवत भक्त यहाँ बैठ करके इस रस का पान कर रहे हैं। इसकी चर्चा भले हम इन चर्म चक्षुओं से, इन नेत्रों से उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं करते, किंतु फिर भी ध्यान रखें, जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की दिव्य कथा होती है वहाँ हनुमत लाल जी अवश्य पधारते हैं। और वो निश्चित हैं, यहीं पर हैं, इसमें संदेह नहीं करें आप, निश्चित विराज रहे हैं। जहां महाभारत की कथा होती है वहां अश्वत्थामा अवश्य पधारते हैं। एक बार काशी में घटना हुई ऐसी, वहां कथा हो रही थी और अश्वत्थामा पधारते थे विचित्र रूप में। पंडित जी को संदेह हो गया कि सबसे पहले आते हैं, सबसे पीछे जाते हैं, और कुष्ठ जैसा हो रहा है, इनके कौन है? एक दिन पीछे पीछे चल दिए और पंडित जी, जब समस्त श्रोता अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए और वो जो एक बहुत ही दीनहीन अवस्था में सबसे पीछे जाने वाले महानुभाव, उनके पीछे पंडित जी चल दिए। जब उन्होंने अपना वास्तविक रूप, भव्य रूप प्रकट किया अश्वत्थामा का, तो चरण ग्रहण कर लिए पंडित जी ने। उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, बोले आप सच बचाइए कौन है? उन्होंने कहा कि मैं अश्वत्थामा हूँ, जहाँ भी महाभारत की कथा होती है मैं अवश्य पहुँचता हूँ, परंतु किसी को कहना नहीं, बताना नहीं। पर पंडित जी से रहा नहीं गया, पंडित जी ने प्रचार कर दिया। कुछ वर्षों पूर्व की घटना है, लगभग 50-60 वर्ष पहले की बात है, काशी की बात है। तो इस प्रकार से जहाँ भी रामचरितमानस की कथा होगी वहाँ हनुमत लाल जी बिना आए रह नहीं सकते हैं। वो कभी तोता के रूप में आते हैं, आचार्य पीठ में तोता के रूप में आए, सुख के रूप में, और आकर के लगभग 3 घंटे तक बैठ करके मंच सामने पंडाल पर बैठ करके और कथा श्रवण की। उसका चित्र भी है, वीडियो कैसेट भी है। तो आज आप भी यहाँ पर कि वो किसी न किसी रूप में हनुमत लाल जी विराज रहे हैं, और मुरारी बापू तो उनको सामने विराजमान करके ही सारी कथा का आनंद स्वयं लेते हैं, आप सबको आनंद प्रदान करते हैं। तो अब हम अधिक समय लेना नहीं चाहते, उस रस से आप और हम सभी वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम मुरारी बापू से अब अपनी भावना व्यक्त करते हैं कि आप उस रस की दिव्य धारा यहाँ प्रवाहित करें, जो संपूर्ण ये जनमानस उस धारा में प्रवाहित हो जाए, आप्लावित हो जाए, निमज्जित हो जाए। इसी भावना के साथ हम अपने भावों को विराम दे रहे हैं। Thank you.
की बात है निम्बार्क पीठाधीश परम पूज्य जगत गुरु श्री जी महाराज श्री यहाँ पधारे, हम सबको दर्शन आशीर्वचन प्राप्त हुए। हम पीठ को प्रणाम करते हुए हैं आगे की कथा का आरंभ कर रहे हैं। आइए मेरे भाई बहन, पुनः एक बार श्री गंगा जी के तट पर, जहां सीताराम जी साथरी पर सोए हैं और रामानुज गीता चल रही है, श्री गुहराज को
मैंने बार बार आपको कहा है, ये भगवत गीता नहीं है, ये भगवत भक्त गीता है। श्री लक्ष्मण जी गुह को इस रामानुज गीता के माध्यम से नष्टो मोह की स्थिति में ले जाना चाहते हैं। सखा समुझ अस परिहरि मोह। एक बात हम आपको कहेंगे कि गीता जब भी जहां भी कही गई, कहने वाले ने अपने आप को छोटा बना कर ही कही है, इसीलिए गीता महान। कृष्णा अवतार में कुरुक्षेत्र के रणांगण में जो गीता का प्रागट्य हुआ, वो दाऊ जी ने नहीं कही, बलराम ने नहीं कही, बलभद्र बड़े थे लेकिन छोटे ने कही, कृष्ण ने कही। और यहां ये गीता राम नहीं कह रहे हैं, रामानुज कह रहे हैं। और एक गीता जिसका मैंने आपसे थोड़ा जिक्र किया था कि भगवान राम ने पुरजनों के सामने कही है, और वाल्मीकि के मतानुसार भगवान राम अपनी प्रजा को अपना इष्ट मानते थे, यानी अपने को छोटा बना करके गीता। इसलिए तो राम जी बोले थे, जो अनीति कछु भाखो भाई, यदि मेरे बोलने में कोई अनुचित वाक्य आ जाए तो प्रजाजन खड़े होकर अयोध्या के इस सम्राट को रोक सकता है। इसका मतलब ये पुरजन गीता जब बोली गई तो निखिल ब्रह्मांड नायक रघुनाथ जी भी छोटे बन गए। और जब काग भुसुंडी ने गीता कही, गरुड़ के सामने भुसुंडी गीता, तो अपने आप को सामान्य समझ करके खगराज को, वो तो सम्राट है ही, उनके मालिक है ही, उनके सामने बड़ी विनम्रता से गीता रखी है। कहने का मेरा मतलब ये है कि गीता का उपदेश बिना छोटे हुए न तो आत्मसात होता है, न आत्मसात कराया जा सकता है। इसलिए ये गीता का वैशिष्ट, इसकी महानता है कि ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, और जिसको कह रहे हैं उसको सखा कहते हैं, वरना वो भील है। जो स्वयं अपने आप को मैं तीसरी बार कह दूं, जो बोला था हम, जो भील लोग बोलते थे, हम जड़ जीव जीव गण घाती, हिंसक लोग हम हैं। उसको लक्ष्मण जी ने, मैंने आगे के सूत्रों में आपको कहा भी, गुहराज को भ्रात कह दिया। तो ये बड़ी बड़ी विलक्षण गीता है। कल जिसकी पूर्व भूमिका में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवत गीता और इस लक्ष्मण गीता में भेद है लेकिन विरोध नहीं है। वैषम्य भी बहुत है, साम्य भी बहुत है। और आज तो हम उपसंहारक सूत्र की ओर जाते हैं। ये 18 अध्याय वाली गीता, ये 5 अध्याय वाली लक्ष्मण गीता, लेकिन उनमें मैंने आपको आगे भी गिनती करके बताया था कि 18 पंक्ति में गुह बोलता है, 18 पंक्ति में लक्ष्मण बोल रहे, वो मानो उनके 18 अध्याय है। तो ऐसी ये लक्ष्मण गीता। लेकिन आपका ध्यान में इंगित करूंगा कि आप भगवत गीता पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, उसमें गीता के समापन में संजय ने एक बात रखी है कि हे धृतराष्ट्र, मुझे ये सब व्यास प्रसाद से प्राप्त हुआ, मैंने व्यास प्रसाद से ये दिव्य वाणी सुनी, ये सब पाया देखा, सो आपके सामने मैंने रखा। और वो कहते हैं मैं बार बार पुलकित हो जाता हूँ,
जब इन घटना को याद करता हूं तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि भगवत गीता कोई भी बोलेगा, कहीं भी माध्यम बन के बोलेगा तो उसका प्रेरणा स्रोत कहीं होता है, कहीं से वो मिलती है। तो श्री लक्ष्मण जी ने यहाँ जो सूत्रात्मक भगवत लक्ष्मण गीता रामानुज गीता दी वो किसके प्रसाद से आई? वहाँ व्यास थे तो यहाँ कौन है? सूत्रों का मिलान कीजिए, आज बहुत समय नहीं है इसलिए मैं संक्षेप में आपको बता करके फिर भुसुंडी रामायण का पाठ करके कथा भी तो पूरा करना है। लेकिन लक्ष्मण जी जो जो सूत्र बोले हैं इन दिनों में, ये सब मोह है, ये सब विकार है, ये सब ब्रह्मफंद है, ये जाल है, सच केवल राम चरण अनुराग ही है। श्री रघुवीर चरण रत होऊं, यही उनका जो लक्ष्य है। वो जो सूत्र लक्ष्मण जी ने गुहराज के सामने बिना पूछे रखा है करुणा करके, उनका उनकी प्रेरणा कहाँ से मिली? भले ही मानस में न लिखा हो लेकिन लक्ष्मण के सामने वो दृश्य जरूर रहा होगा जहां से ये प्रेरणा उसको मिली। और यदि जहां से प्रेरणा मिली उस दृश्य, उस व्यक्ति और उस घटना को साधक बोलते समय याद न रखे तो प्रेरणा का अपराध माना जाता है। तो वो प्रेरणा कहां से मिली थी? मैं आपको वहां ले जाऊंगा जहां से ये प्रेरणा मिली थी। अयोध्या कांड का वो प्रसंग जब श्री लक्ष्मण जी ने सुना कि मेरे प्रभु बन जा रहे हैं और श्री लक्ष्मण जी दौड़े हैं कि मेरे पहुंचने से पहले कहीं निकल जाएंगे तो फिर हम कहां हैं? दौड़ पड़े। और फिर प्रसंग आपने बहुत बार सुना है, राम जी के पास आते हैं, तिनके तरह तिनके के समान सब कुछ छोड़कर लक्ष्मण धरा के धारक है, नियंता है, कमट दिग्पाल आदि सब के वो नियंता है, वो कांप रहा था। कि मुझे साथ ले जाएंगे कि नहीं, और यदि मुझे साथ नहीं लिया तो फिर मेरा क्या होगा? और फिर भगवान के साथ उनका वार्तालाप होता है, प्रभु ने समझाने की बहुत चेष्टा की, प्रेम समर्पण और सेवा की निष्ठा के सामने भगवान हारे, लखन जीते। और फिर प्रभु ने कहा अपनी माँ सुमित्रा से विदा ले आओ, और फिर लक्ष्मण जी सुमित्रा से विदा लेने जाते हैं। और आज गंगा के तट लक्ष्मण जो बोल रहे हैं उनकी प्रेरणा माँ सुमित्रा है। मुझे एक बात कहनी है आप सबको, भविष्य का हमको पता नहीं लेकिन सुमित्रा जैसी माँ हुई नहीं है, नहीं होगी कि नहीं पता। श्री लक्ष्मण जी जाते हैं मां के पास, बड़ा स्वतंत्र विषय कभी मैं कहूंगा उस सुमित्रा लक्ष्मण संवाद को, यानी एक पूरी कथा मिलेंगे उसको, लेकिन आज इस प्रेरणा मुझे गीता से जोड़ना है इसलिए मैं कुछ पंक्तियों का आश्रय करूंगा। जब लक्ष्मण जी सुमित्रा के पास आते हैं, भगवान राम वन जा रहे हैं, सियाजू भी जा रही है, इस सब बातों से माँ सुमित्रा को अवगत करा दी गई। फिर
तात तुम्हार मात वैदेही आदि आदि बातें सब आई। पुत्रवती जुवती जगसोई ये सब जो आया। और मैं गौरव अनुभव कर रही हूँ लखन की मैं पुत्रवती हूँ क्योंकि जिसका बेटा रघुवर भक्त है। वरना तो बियानी शब्द का प्रयोग, किसी मानव जात के लिए बियानी शब्द का प्रयोग करना वो सभ्य भाषा नहीं है, प्रसव शब्द है हमारे यहाँ, प्रसूति शब्द है। लेकिन सुमित्रा ने बियानी शब्द का प्रयोग इसका है कि वो पशु है, पशु ही बियाते हैं, मनुष्य नहीं बियाते। जिसका बेटा राम भक्त नहीं हुआ, उनकी माँ ने प्रसव नहीं दिया, वो तो पशु की तरह बियानी है। गुजराती में वियाणी कहवाए, उसका जन्म नहीं हुआ। यहाँ उच्च आदर्श से गौरी शंकर शिखर से बोल रही है, ए लखन जननी। कुछ पंक्तियों का आश्रय करें समय अभाव से, समय तो ऐसे मेरे पास कितने कवियों की, मैं कवियों की बातें आपके सामने रखता रहा तो कई कवियों के कविताएं आई, एक कवियत्री बहन की भी कविता आई, लेकिन प्रसंग संगति न होने के कारण, समय अभाव के कारण या तो भूल जाने के भी कारण कुछ कवियों की बातें मैंने रखी और कुछ कोई कोई कवियों ने जो दिया उसका रह गया तो वो बुरा न लगा, समय अभाव कारण। तो समय अभाव है तो कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखूं, यहीं से शुरू करें। अभी अभी माँ बोल रही है, पहले तो बहुत कुछ बोली लेकिन प्रेरणादायी सूत्र जहां से लखन ने पकड़ लिए थे वो ये थे, यहां से बोली है। बोली सुमित्रा, तुमरे ही काटु राम बन जानी, तुमरे ही काटु राम बन जानी, दूसर हेतु काटे पछुआनी, दूसर तुमरे राम बन जाई, दूसर तुम्हारा बड़ भाग है लक्ष्मण, तुम्हारे परम सौभाग्य की घड़ी आई है तात कि राम बन जा रहा है। और कोई कारण नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं है, रावण को मारना राम के लिए कोई सवाल ही नहीं, राम बन जा रहे हैं उसका कारण लखन तुम हो, तुम्हारे बड़ भाग है इसीलिए राम बन जा रहे। चौंक पड़ा लक्ष्मण। हाँ, एक अभिप्राय ऐसा है कि लक्ष्मण जी धरती को धारण करते हैं और धरती पर असुरों का भार बढ़ गया था और भगवान असुरों को मारेंगे तो भार कम हो जाएगा और लक्ष्मण जी के शिर पर का बोझ मिट जाएगा, इसलिए तुम्हारे काज तुम्हारे भाग से जा रहे हैं। लेकिन मानस में तो लिखा है समस्त ब्रह्मांड जिसके शिर पर एक रजकणी है उसको भार कहेगा, रजकण का भला किसी को भार लगता है? समस्त ब्रह्मांड जिसके शिर पर केवल एक रजकण है, भार का तो प्रश्न उठता नहीं था। तर्क अच्छा है कि ये भार मिटाने की वाली बात है, लेकिन वो स्वामी जी के शब्दों में फिर वो फलित नहीं हो रहा। तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाग के लिए जा रहे हैं, इसका एक अभिप्राय माँ ये कह रही कि अयोध्या में राम जब तक है तब तक तो सेवा बांटी गई है, सबको सेवा का मौका मिलता है, अब तेरा भाग खुला है, सेवा का तुझे स्वतंत्र हिस्सा मिल रहा, तुम्हें ही केवल सेवा मिलेगी और दृश्य तुम्हारे सामने हमने रखा था। सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल का,
किन्न रघुवंश मणि पाय फलो। जब प्रभु गंगा के तीर पर सात्री पर सोए हैं तो श्री लक्ष्मण जी पाए पलोट रहे, तुम्हारा भाग खुला है, तुम्हारे लिए राम बन जा रहे। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, जो कुछ आदर्श सिखाए, इस आदर्श को चरितार्थ करने का मौका तुझे मिल रहा है। विषयों को छोड़कर तू विश्वास की शरण ले रहा है, समस्त विकारों के छूटकर जो सकल विकारों से मुक्त है उनका आश्रय तुझे मिलने जा रहा है। तेरे भाग्य जैसा किसी का भाग्य नहीं है। अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ सततम प्रियवादिनम। वाल्मीकि भी कहते हैं, प्रजाजन अयोध्या जब लक्ष्मण जी को हाँ कह दी गई ना कि चलो संग, तब अयोध्या में एक सूर उठा था। इस सूर वाल्मीकि जी ने सुना, लिखे बिना मेरे आदि कवि नहीं रह पाए। अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ सततम प्रियवादिन। भ्रातर, मुझे बहुत एक शब्द अच्छा लगता है, क्या कहा अयोध्या ने, हे लक्ष्मण तुम बड़ भागी हो, तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो रहे, क्योंकि सतत प्रियवादिन भगवान राम जो कभी कटुवादी नहीं है, सतत प्रिय वदन वादी है, वो राम तुम्हारा भाई है। और वो कैसा है, देव संकाशम, देव जैसा तुम्हारा भाई, लोकोत्तर तुम्हारा भाई। उनकी सेवा करने का तुम्हें मौका मिल रहा है, इसलिए पूरी अयोध्या कहती है अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ सततम प्रियवादिनम। मुझे बहुत अच्छा है, तुम्हारा भाई देव जैसा, वो मनुष्य नहीं है, उनकी सेवा आप अकेले कर पाएंगे, इसलिए आप बड़भागी हैं। सुमित्रा ने पहले अपने बड़भाग की चर्चा की, फिर लक्ष्मण के बड़भाग की चर्चा। पहले अपने बड़भाग की चर्चा, पुत्रवती जुगती जगसु, ये अपने बड़भाग की चर्चा है कि मैं रघुवीर भक्त की माँ हूँ, वो अपना सौभाग्य की सद्भाग्य की बात कही। और अब लक्ष्मण के बड़भाग की बात कह रही है कि कोई और हेतु है ही नहीं, तुलसीदास जी का क्रम लक्ष्मण जी ने बदल दिया। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान क्यों आते हैं, विप्रधैन सुर संत, विप्र के लिए, पहला नंबर विप्र का दिया। और लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, मेरी माँ ने कहा भगवान मेरे लिए ही बन गए थे, इसलिए भगत भूमि भूष, भगत के लिए आए, मेरे लिए राम आए। क्रम बदला है गोस्वामी जी ने। जब इस गीता का उपसंहार अंतिम चरण जो रख रहे हैं गोस्वामी जी, उसमें भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपा करत चरित धरी मनुज तनु सुनत मितई जगदा। भगत के लिए आप आते, मेरी माँ ने कहा था। और मैं संक्षेप में कह दूं आपको, फिर माँ ने क्या कहा गोस्वामी जी कहते हैं, सकल सुकृत कर बड़ फल गए राम सिय पद सहज सने सने राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपने के बस हो जन सपने के बस। हे बाप, संसार के समस्त सुकृत का फल है
सीताराम जी के चरण में प्रे सिया रघुबीर चरण रत वो प्रेरणा वहां से सिया रघुबीर चरण रत सकल परम पर मारत कल का सूत्र मन क्रम बचन राम पर मन क्रम मन क्रम कर राग रोष ईर्ष्या मद और मोह के वश सपने में भी मत होना। सपने की बात भी लखन इसलिए कर रहा है और अस विचार सखा समुझे अस परिहरी मोहू इसलिए मोह को याद कर रहा है, इसलिए वो रोष की बात कर रहा है। रोष छोड़ो द्वेष छोड़ो, ये लक्ष्मण जी की प्रेरणा भूमि वो थी। तो हे तात सपने में भी राग रोष ईर्ष्या आदि के बस मत होना और समस्त विकारों से मुक्त होकर मन वचन कर्म से राम की सेवा करना, राम का ही होना। आगे बोले बाबा तुम कह बन सब भाति सुपासु संग पी तुम मातु राम सिय जासु संग पी तुम मातु राम सिय जासु। तेरे लिए तो तात बन सब तरह सुख है, कोई चिंता का सवाल ही तेरे लिए नहीं, क्योंकि तेरे माँ बाप तो तेरे साथ है। सीताराम जी तेरे माँ बाप, और जिसके माँ बाप संग हो उनके बेटे को कौन चिंता, उसको क्या चिंता है। इसलिए तुम्हारे लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं। तुम सब बन सब भांति सुपासु राम सिय जासु राम वहीं से उपदेश वही। बेटा तुम्हारे लिए एक ही उपदेश है मेरा, जीवन में राम तेरे होते हुए कोई क्लेश प्राप्त नहीं। एक ही उपदेश है मेरा। और फिर सिख देती है, आयसु देती है और आशीर्वाद देती है। उपदेश यही बात तुम्हारे पा
सिखावन क्या दी कि मेरा उपदेश सिखावन मानी उपदेश उपदेश ये है तीन बातें कही ना आशीष सिखावन और आदेश आज्ञा सिखावन उपदेश क्या दिया कि राम और सीता सुख ही प्राप्त करना चाहिए ए सिखावन तुम्हें इतना ही करना कि राम सिया बन में सुख प्राप्त और फिर आज्ञा क्या दी कि कभी भी उनको माता पिता परिवार की याद ना आए वो तुम्हें करना ये आज्ञा कि राघव को कभी हमारी याद ना आए आह क्या त्याग कर दे और आशीर्वाद सीताराम के चरणों में तेरी अविरल भक्ति नित नित नूतन अविरल भक्ति ये आशीर्वाद प्रत्येक गीता का फल है ना कोई भी गीता का फल होता है शास्त्र का फलादेश दिया जाता है तो लक्ष्मण गीता का फल क्या है प्रिय रघुवीर चरण रत हो कहत राम गुण भाभिनु सारा ये सब उनका फल माना जाएगा सुबह होना प्रभात होना विवेक का जागरण होना इस गीता का फल है तो मैं आपसे इसलिए वहां ले गया कि ये प्रेरणा जैसे अर्जुन को व्यास प्रसाद से मिला था हमारे श्री लक्ष्मण जी को सुमित्रा के प्रसाद विश्व में ऐसी मां नहीं लक्ष्मण जी को गले भी नहीं लगाया क्या हृदय में वात्सल्य का कुआं सूख गया था नहीं लेकिन मैं ममता प्रदर्शित करूंगी तो उनको भी मेरे में ममता रह जाएगी तो जानकी को मां नहीं समझेगा तो इसलिए मानो क्या त्याग कर रही है ये मां बड़ी अद्भुत माता सुवन शोक संतोष सुमित्र रघुपति भगति बरे हैं सुवन शोक संतोष सुमित्र ही रघुपति भगति बरे हैं छन छन गात सुखात छन ही छन भूल सत हे तारे गीतावली रामायण दरबारी का बड़ा करुण दृश्य है लेकिन मां का परिचय ले ले तो स्वामी जी कहते गीतावली में सुनिरन घायल लखन परे सुनिरन घायल लखन परे हनुमान जी संजीवनी लेकर निकले हैं भरत जी ने उसको गिरा दिए नंदीग्राम में पूरा परिवार एकत्रित हुआ और श्री हनुमान जी से सबने कथा सुनी कि लंका के रण मैदान में रावण पुत्र इंद्रजीत की शक्ति से श्री लक्ष्मण जी रण मैदान में घायल पड़े हैं और जब ये सुमित्रा ने सुना गोस्वामी जी की कलम रो पड़ी बाबा बोले सुनी रण घायल लखन परे सुनी रण घायल स्वामी काज संग्राम सुभट सो स्वामी काज अपने स्वामी के लिए अपने मालिक के लिए सुभट सो कोई मामूलियों से संग्राम नहीं किया था सुभट था इंद्रजीत से मुलाकात उछड़े नाग जन बाण असमान मां अधर धनबाद जी शीश उदय पति फैलाना रथ धर रवि दल फैल गया बापड़ा हाथी ने अश्व डूबे पवन जो घोर झपाटे केरवन धर पड़े यम प्रतिसर कैकना ढूंढ पड़िया साम सामा भरे वीर संग्राम मां तेरी चौई दस बांधी जम मेघ चढ़िया इंद्रजीत के सामने लक्ष्मण जी का युद्ध कोई सामान्य नहीं था इसलिए हमारे गोस्वामी जी कहते हैं स्वामी काज संग्राम सुभट सो स्वामी काज संग्राम सुभट सो लोहा ललकारी लरे सुमिरन घायल लखन परे
से देखिए मेरे भाई बहन, स्वामी के कार्य के लिए संग्राम में सुभट्टों के सामने ललकार कर लड़ा है लखन। हनुमान जी ने कथा सुनाई, अब सुमित्रा जी खड़ी है। गोस्वामी जी दे एक और माँ है, दूसरी और वीर की माँ है। दो शब्द बड़े करुण है। सुवन शोक संतोष सुमित्र रघुपति भगति बरे। सुवन शोक फिर संतोष सुमित्र रघुपति भगति। एक और पुत्र शोक लग गया। आहा, मेरा बाप घायल हो गया, मेरा सौमित्री, मेरा लखन मूर्छित हो। सुन शोक, यह मातृत्व दिखाई दिया, लेकिन फिर अपने आप को संभाला, क्योंकि भरत जी कौशल्या कैकेयी शत्रुसूदन मांडवी उर्मिला सुतकीर्ति परिवार परिजन पुरजन बहुत खड़े। अपने आप को संभाला, संतोष धारण किया, संतोष सुमित्र ही, क्योंकि रघुपति भक्ति बरे, रघुवीर की भक्ति में खरा उतरा, श्रेष्ठ निकला है, परम सिद्ध हुआ है, लेकिन फिर भी माँ है। छन छन गात सुखात छनई छन, क्षण क्षण गात्र सुख क्षण गात सुखने लगी है, एक क्षण में सुख जाती है। छन गात सुखात छन छन गात सुखात छन छन उलसित हे यही रे क्षण सुख जाती है, दूसरी क्षण पुलकित हो जाती है। अब एक दृश्य बहुत सुंदर है, हनुमान जी को कहती है, हनुमान देर हो जाए तो तू भी चिंता मत करना, और मेरा लखन चला गया तो मेरा राघव अकेला हो गया है, उसका मुझे दुख है। लेकिन दूसरी बात कहती है, हनुमान एक बात बता, राम के हाथ में धनुष तो है ना? हाँ माँ, तो कोई फिक्र नहीं है, उनके हाथ में यदि धनुष है तो मुझे कोई चिंता का प्रश्न नहीं, वो भी ठीक है। लेकिन शत्रुघ्न खड़ा है, और शत्रुघ्न का हाथ पकड़ा है, कहा बेटा राम अकेला न रहे वैरी की भूमि पर, जाओ, इसलिए विधाता ने मुझे दो दिए थे, तुम जाओ। अब जब शत्रुघ्न को कहा कि तुम जाओ, उस समय रामचरितमानस का शत्रुघ्न पहली बार कुछ बिलख ढंग का दिखाया, कूद पड़ा और मैं क्या कहूं, माँ के पैर कस के कहने लगा, अपनी भाषा में बोलू तो कहूं कि माँ आज मेरी लॉटरी लग गई, आज मैं कृतस्थ हो गया, आज मुझे अवसर मिल गया, आज तक मैं अपने आप को दबाए बैठा था, वड़ी लोग की आज्ञा में दबा था, मैं कुछ सेवा में जान, लेकिन आज मुझे ये अवसर। यहां मां की स्थिति और यहां अनुज गति की स्थिति, इनको देखकर अंबु अनुज गति पेखी पवनज भरतादि गलान गरे हैं। पवनज पवन पुत्र, अंबु अनुज गति अपनी मां सुमित्रा और अनुज गति शत्रु भरत जी, अब छोटे भाई की गति इनकी देखकर पवनज भरतादि गलानी गरे, गलानी में डूब गए कि हम कौन से, हम क्या है। और जब गलानी में इतने सब डूब गए तो गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी कहते हैं, उस समय सुमित्रा माता सबको सचेत कर रही है, जागो बेटे, ऐसा मत करो, चिंता मत करो, भरत को जगा, ये कहा दूसरी नौबत आ गई, एक तो मैदान में पड़ा है और तू भरतादि गलानी गरे हैं, गलानी में डूब गए। श्री भरत उनको सावधान कर रहे, सचेत कर रहे,
सुमित्रा जी गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी को जगा रहे हैं। सुनी रन घायल लखन परे, सुनी रन घायल लखन परे है, स्वामी काज संग्राम सुभट सो, स्वामी काज संग्राम सुभट सो, लोग ललकारी लरे हैं घायल लखन परे, सुमिरन घायल लखन परे। सुवन शोक संतोष सुमित्र ही, उनकी दशा देखिए, पुत्र शोक और एक और संतोष है, दोनों में माँ डूबी हैं, गात सुख भी रहा है उलस भी रहा है। कहने का मेरा अभिप्राय, ऐसी माँ की प्रेरणा श्री लक्ष्मण जी को मिली थी कि सीताराम के चरणों का आश्रय करना, राग रोष ईर्षा मदमोह के वश सपने में भी मत होना, राम चरण अनुराग ही समस्त सुकृत का परम फल है। ये माँ ने उसको सिखाया था, उपदेश दिया था, राम सुख को, राम सीता को सुख देना, आज्ञा दी थी उनको हमारी याद न आए ऐसा करना, और आशीर्वाद दिया था सीता राम के चरण में अविरल प्रीति नित नूतन हो। तो एक गीता में जो सूत्र आए हैं उनकी प्रेरणादाता माँ सुनाई सुमित्रा थी, इसीलिए ये बातें आई हैं। तो आइए अंत में श्री लक्ष्मण जी इस गीता में क्या बोले उसका आश्रय कर ले, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी पाठ कर लें ताकि पूरी गीता का पुनः एक बार पाठ हो जाए। सोवत प्रभु निहारी निशा प्रेम बस छबी रा
रंगनाथ पति हो जा
जो अंतिम सूत्र था वो था सखा परम परमार्थ एहु मन क्रम बचन राम पद ज्ञान वैराग्य हे गुह परमार्थ है, लेकिन परम परमार्थ तो परमात्मा के चरणों में प्रीत ही परम परमार्थ और परम परमार्थ का विभाजन किया है। ज्ञान वैराग्य की चर्चा करके समझा रहे मन वचन कर्म से प्रभु के चरण में अनुराग ही परम परमार्थ है। परम पंचम पुरुषार्थ है वो कि हरि के चरण में अनुराग हो जाए, मन से उन चरणों का ध्यान, नेत्रों से इन चरणों का दर्शन, वाणी से इन चरणों ने जो आचरण किया, चरित्र किया, वो लीला गान, उनका मधुर गान, उनका स्मरण चिंतन गान, कर्म से वही चरणों की पूजा अर्चा, यही परम पुरुषार्थ है, यही परम परमार्थ है। और अब गुह के दो आक्षेपों का खंडन कर रहे हैं। गुह ने कहा था कि विधिवान हो किसको नहीं होता है। आज जानकी जी धरती पर सो, मैं फिर एक बार कहूँ, गुह को बहुत दिल में चोट लगी कि जिसका पिता जनक, जिसका ससुर दशरथ, जिसके पति राम, ऐसी जानकी के लिए दुख का कोई कारण ही नहीं था, फिर भी वो धरती पर सोई है, तो विधाता किसको वाम नहीं हो रहा है। विधाता पर जो इल्जाम लगाया, और दूसरा कर्म प्रधान सत्य कह रोगी, सीताराम जी धरती पर सोए हैं, कर्म ही प्रधान है, तो भगवान पर जो कर्म का आक्षेप है आज उठाते लूठा मिटा रहे धीरे धीरे कि राम ब्रह्म। एक कर्म जीव को लागू होता है राजन, हे सखा, ब्रह्म को कर्म नहीं लागू होता, क्योंकि नतस्य कार्य करणम विद्यते, श्रुति भगवती कहती है न उनको कार्य है न उनको कोई कर्ण है, न उनको इंद्रिय है न कोई शरीर है न कोई इंद्रियों का विषय है, सब मामला तो इंद्रियों के विषय से, इनके संयोग से सब घटना घटती, उनके लिए तो न कोई कारण है न करण है, उनके लिए कोई, ये ब्रह्म है। और ब्रह्मा भी आखिर ब्रह्म के अधीन है गु, ब्रह्मा वाम कैसे हो सकता है, क्योंकि उनको आदेश तो ब्रह्म का मिलेगा ना, आखिर सर्वोपरि सत्ता तो ब्रह्म, ये जो सोए हैं उनका विधाता वाम नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश तो उनके अधीन में वर्तन करते हैं,
उनके वशवर्ती है, इसीलिए विधिवाम इन लोगों को नहीं और जीव को सुख दुख भोगता होना पड़ता है, ये उनको लागू नहीं पड़ता। ये जीव नहीं है, ये ब्रह्म है। अब बिल्कुल पर्दा खोल कर बात करे, गीता का ये अंतिम अध्याय है, मोक्ष संन्यास योग है, बिल्कुल खोला गया बात, इसलिए स्पष्ट कर दिया। राम ब्रह्म परमारथ रूप, राम ब्रह्म परमारथ रूप, अभिगत आलाख अनादि अनुपा, अभिगत आलाख अनादि अनुपा, राम ब्रह्म राम ब्रह्म है और परमार्थ रूप है। जिस बाकी सब मोह मूल है, परमार्थ नहीं है, और सर्वोत्तम परमार्थ मन वचन कर्म से भगवत चरण में प्रीत करना ही है, वो परमार्थ रूप स्वयं राम है। तू वहां लग जा, तू उनकी सेवा में लग जा, तू उनके चरणों का रत हो जा, तू वहीं जुड़ जा। ये परमार्थ रूप है, ये ब्रह्म है, अविगत है, उसकी विगत नहीं दी जा सकती, अलख है, कौन लख पाता है उसको। और बहुत सुंदर शब्द आया, आदि अविगत अलख अनादि। ब्रह्मा आदि है, सादि है, लेकिन ये तो अनादि है, इसलिए ब्रह्मा इनका वाम नहीं हो सकता, ये तो अनादि तत्व है और अनूप है। पिता सिलोकस्य चराचर, तुम्हारे समान कोई नहीं, तो अधिक तो कौन हो सकता है। गीताकार ने भी ये फरमाया था कि इनके उनसे बड़ा कौन, जो इनके समान कोई नहीं, तो उनसे अधिक तो कोई हो ही नहीं। अनूप है मेरा हरि, ब्रह्म अनूप है, निरूप में है, अनुपम उपमा राम आन, राम समान राम निगम भने। भगवान वेद राम को राम समान कहते हैं, जिसके समान कोई नहीं, अधिक तो कौन हो सकता है, अनूप है परमात्मा। और अब बड़ी मधुर बात संक्षेप में गोस्वामी जी लाए, सकल विकार रहित जगत भेद, राम समस्त विकारों से मुक्त है, जोग वियोग भला भोग मंद भोग मध्यम हित अनहित धरणी धाम धन पूर परिवारु जन्म मरण, ये सब जगजाल जो सपने लगे हैं, मोह रात्रि के सर्ग नरक आदि जो लौकिक व्यवहार मात्र है, पारमार्थिक सत्य नहीं है, इतने विकार और छोटे बड़े कितने ही विकार, सकल विकार रहित है, उनमें कोई विकार प्रवेश नहीं करता। ये मैं और तू दोष दे सकता है, लेकिन मेरे प्रभु ने मां कैकेयी को कोई दोष दिया, क्योंकि वहां रोष दोष का विकार प्रवेश नहीं करता। कि मां कैकेयी को वो दोष नहीं दे रहा, लाख तुम बुरा कर दो तो भी प्रभु तुम पर रोष नहीं कर सकता। ध्यान दे रहा, तीन बात याद रह जाए। मैं कल साधक वाली बात कहता था, मैं पुनः तीन बात और कहना चाहूंगा, आपके लिए संबल हो सकती है। कृपया मेरी व्यास गाड़ी की प्रार्थना है, उसको जीवन का सत्य बनाना। तीन वस्तु पूरी मात्रा में तुम्हारे पर बरस रही है, फिर तुम अपने आप को दीनहीन क्यों समझते हो, क्यों दुखी समझते हो?
कुछ भी तुम करो, ईश्वर की कृपालुता में कभी फेर नहीं पड़ता, क्योंकि वो सकल विकार रहित गति देता है। भगवान की कृपालुता इस जीव पर सदैव बरसती रहती। वो कारण रहित कृपाल है। भगत भू विभू सुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल है। ईश्वर की कृपालुता जीव पर, कभी रावण को मारा वो भी उनकी कृपालुता है, वाली को मारा वो भी उनकी कृपालुता है, तारका को मारकर निज धाम दिया वो उनकी कृपालुता है। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, इनकी कृपालुता है। किसी भी जीव पर से ईश्वर की कृपालुता कभी कम नहीं होती। उनके पास ये व्यवस्था नहीं है कृपा कम करने का, असमर्थ है हरि, क्योंकि वो जानता है कि ये पूरी सृष्टि एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुण शील आचारा। अब आपके मन में दूसरी बात आ जाए कि भगवान की कृपालुता तो कभी मिटने वाली नहीं, मान लिया, लेकिन ये संसार, ये जगत, देखो जगत की उदारता कभी मिटने वाली है। ये दुनिया बहुत उदार है। मैंने बहुत पहले भी कहा था गुरु पूर्णिमा के संदेश में, ये जगत बहुत उदार है, क्योंकि हम जितने बुरे हैं ना, इससे हमको कम बुरा समझता है ये दुनिया, और हम जितने अच्छे हैं उनसे जगत हमको ज़्यादा अच्छा समझता है। ये उदार है, दुनिया की उदारता कभी मिटती है। तुम्हारी झोली भरी रहती, आप अपने भीतर सोचिए, कोई तुम्हें सज्जन कहे तो नहीं लगता कि उदारता है? तुम अभी 5 मिनट पहले 3 बार झूठ बोल कर आए और दूसरा कह रहा है सज्जन है आप, तो ये उदारता है जगत की। हम जितने अच्छे हैं इससे ज्यादा लोग अपने भीतर देखना मेरे भाई बहन। व्यास गाड़ी गाड़ी फोकस करके आपका फोटोग्राफ ले रही और एनलार्ज करके दे रही है, आप अपने भीतरी दृश्य को देख कि जितने बुरे हैं इससे ये समाज हमको कम बुरा समझता है। वरना संतों ने कहा था मो सम कौन कुटिल खलका, और जितने अच्छे हैं उससे ज्यादा अच्छा समझती है दुनिया, उदार है। और जगत उदार है, जगत की प्रकृति के सभी पदार्थ उदार है, नदी उदार है। तुम कितना ही पाप करो, नदी का प्रवाह कभी तुम्हारे सामने सूख जाता है कि तुम पापी हो, नहीं पानी पीने देंगे। वृक्ष ने फल देना तुमको बंद किया, पर्वतों ने मणि देना तुमको बंद किया, सूर्य ने प्रकाश देना तुमको। जगत और प्रभु का बनाया हुआ संसार बड़ा उदार है। संसार की उदारता कभी कम नहीं होती। इस सत्य को जीवन का सत्य बनाना, परमात्मा की कृपालुता हम पर बरस रही है और ये जगत की उदारता हम पर बरस रही है, और तीसरा साधुओं की सरलता हम पर बह रही। साधु की सरलता समाज पर अनवरत बरस रही है, संतों की सरलता। तुम्हारे सामने साधु कितने सरल हो जाते, सोने की जंजीरों से बांधो तो भी ना आए, वो कच्चे धागे पर चले आते हैं, सरलता। इसलिए मेरे गोस्वामी जी संत सरल चित कहते हैं। संत सरल चित जगत हित ज्ञान सुहाए, सुनि करि कृपा राम चरति दे। संत सरल चित जगत हित ज्ञान सुभा, सुनि करि सूत्र। मेरे भाई बहन कथा के समापन में अपने कपड़े की गांठ में बांध कर जाना, प्रभु की कृपालुता कभी कम नहीं होती है, समाज की उदारता कभी कम नहीं होती है,
और साधु की सरलता कभी कम नहीं। और ये सरलता मिल रही है, उदारता मिल रही है और कृपालुता मिल रही है, फिर तुम अपने आप को दीनहीन क्यों समझते हो? साधुओं की कितनी सरलता हो। कब हो कब हो यही रहनी रहो। तुलसी जी कहते हैं, मुझे सपना आता है कि हे हरि, क्या कभी मैं भी साधु स्वभाव ग्रहण करूं, मैं भी साधु हूं। श्री रघुनाथ कृपाल कृपा से, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा से, संत सुभाव गहो कभी भी मत समझना। मैंने आगे में भी अरविंद को याद करके कहा था कि कृपा तो बरस ही रही है, उसकी प्रतीक्षा की जरूरत नहीं, उसकी समीक्षा की जरूरत है कि कौन रूप में बह रहा है, कब कृपा करे कब कृपा करे, ये बात ही नहीं है मेरे पास। ये मनुष्य शरीर मिला है वो भी अकारण कृपा का फल है। कब हुक करी करुणा बहुक करी करुणा नर दे बिनु हे तू सरे। ब्रह्म विकारों से मुक्त है, उसको भला बुरा नहीं पकड़ सकता रहा। वो नाराज हो जाए, वो खुश हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। सूत्र मिलता है मानस से, प्रभु की कृपालुता, दुनिया की उदारता और मेरे साधाओं की सरलता कभी बिकती नहीं। क्यों मीरा ने साध संग किया, क्यों मीरा ने साधुओं की शरण ली। राणा जी को कहती हैं, मैंने आपको याद किया था, मीरा ने अपनी बोली में कहा, राणा ने कहा, पहले तो तूने हमारा कुल को लजा दिया, दूसरा तूने राठौड़ को लजाया, तीसरा तूने मेड़ता को लजा दिया और चौथा चितौड़ को लजा दिया। मीरा ने कहा, नहीं राणा, आपकी भूल है, साध संग करते मैंने कुल को तारा है, मैंने राठौड़ों को सुशोभित किया है, मैंने मेड़ते को चार चांद लगाया है और मैंने चितौड़ का उद्धार किया है। ये तुम्हारी मोह निशा है, ये तुम्हारी मोह रात्रि है कि तुम्हें परमार्थ सूझता नहीं। वो मीरा की बोली में आया, साधु की सरलता, बस ये तीन बात। उस पर चिंतन करना भाई, मैं छोड़े दे जा रहा हूं आप पर। कभी जो साधु सचमुच है, संत है, साधु है, उनकी सरलता जीवों पर सदैव बरस। इसीलिए दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत् वाणी गुणानु कथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयो। मेरी दृष्टि जो भगवान का साक्षात विग्रह माना जाता है, ऐसे साधुओं का दर्शन करती है। मेरी आंख जो प्रभु के विग्रह माने गए, भगवान का स्वरूप माना जाता है, ऐसे संतों को देखती रहे, ये मांग जो भागवतकार ने रखती है, ये बड़ी अद्भुत। दुनिया बहुत उदार है, प्रकृति के प्रत्येक अंग उदार है, प्रकृति में आए ये जीव भी उदार है, वरना कैसे होते हैं और लोग कितना आदर और कितना कितना करते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। और संत की सरलता, तीन वरदान जीव को मिल रहा है, फिर भी जीव दुखी रहे तो उसके समान दुर्भाग्य कौन है, कौन है? तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत भेदा।
उसमें कोई भेद नहीं है, उसको हम और तुम प्रिय और कई कई अप्रिय ऐसा भेद नहीं है। वहां हित अनहित मध्यम भ्रम फंद लागू नहीं होता गु, वहां स्वर्ग नरक जन्म मरण ये सब द्वंद्व वहां नहीं छू सकता, वहां कोई भेद नहीं। और दूसरा अर्थ गत भेदे का, राजमहल में और शास्त्री में भी कोई भेद नहीं, क्योंकि वो स्वभाव से गत भेद है, उसमें भेद तुम ला ही नहीं। वो मंजू पलंग मंजू मन दीप जहां जहां मणियों के शीतल प्रकाश में पलंग पर सोते थे, क्षीर फैन उसकी जो चादरें थी तकिए थे वो क्षीर फैन के समान मृदु और विशद, वहां भी जो प्रसन्ना वही साथरी पर गत भेद है, उसको भेद नहीं। उसको भरत प्यारा और कई कई अप्री भेद, और दिखाई देता है विकार परमात्मा में। भेद तो जीव का होता है, अरे परमहंसों का भी मैंने बार बार याद किया, भेद अभेदो सपदी गलितम गलितो, भेद अभेद जिसका सपदी समाप्त हो, ये तो साक्षात विकारों से मुक्त ब्रह्म की चर्चा है। वहां भेद कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? साथरी और राजभवन में कोई फर्क नहीं है। मां कैकेयी ने दंड दिया है ऐसा मांगा और तूने एक फल फूल खिला दिए तो उसमें कोई भेद नहीं आता, वो तो गत भेद है, भेद का प्रश्न नहीं उठता। सकल विकार रहित गत भेदा कह नित नेति निरूप ही भेदा। भगवती श्रुति भगवान वेद उसको बार बार नेति नेति कहकर निरूपित करते रहते हैं, वो ही परमात्मा। अब गुह के मन में यदि तर्क उठ जाए तो सदगुरु अपने ओर से ऐसे ही समाधान कर रहा है। कोई भेद नहीं है, कोई विकार नहीं है, वेद नेति नेति कहते हैं, तो फिर हम जैसे को देखकर ऐसी गलती हो जाए, ऐसी लीला क्यों करने आते हैं? ये दशा तो हमारी ये देखकर हुई ना, उनको कोई भेद नहीं, उनको कोई विकार लागू होता नहीं, इनको कोई कोई वस्तु पकड़ती नहीं है। वेद जिसको नेति नेति कहते हैं, जहां वेद नहीं पहुंच पाते हम तो लोक है, हम तो वीर है लोग, जहां वेद नहीं पहुंच पाता वहां हम लोग कैसे पहुंच पाए, कैसे पहुंचे? तो फिर ये सब सुख क्यों करते हैं? अब उनका खुलासा करते हैं कि ये क्यों करते हैं, उसका जवाब सुन। भगत भूमि भू सुर सुर धरि मनुज तनु सुनत नित जग जाल। अब पहला नाम लिया, भक्तों के लिए आते हैं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे वो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल बने। जो शिव के शब्द थे, जो व्यापक ब्रह्म है, निकाय पति है, माया का मालिक है, अवतरे वो अपने भगत हित, वो भक्तों के लिए परित्राणाय साधु तो भक्तों के लिए आते हैं। भगत प्रेम बस सगुण सो हो, भक्त के लिए आते हैं। क्रम बदल रहे हैं। मूल अवतार जब प्रभु का हुआ तब गोस्वामी जी की लेखनी ये कह रही थी, विप्रधेन सुर संत हित अवतार निरमित तनु माया गुण गोपा। अवतार का रहस्य खोलते हुए गोस्वामी जी ने लिखा था ब्राह्मणों के लिए, अथवा कहो धर्म के लिए, धेनु गाय के लिए, कहो अर्थ के लिए, विप्रधैन सुर देवताओं के लिए, कहो काम के लिए, और साधु के लिए मानो मोक्ष के लिए अवतार लेते हैं। अवतार के बुनियाद में चार कारण बताए, यहां पांच हो गए।
एक बढ़ गया। भगत भूमि भूसुर सुरभि सु सुरभि और मही भू भूमि दोनों को भी लग। वहां विप्र धैनु धैनु के रूप में गाय गई थी, गाय के रूप में धरती गई थी, इसलिए गाय। यहाँ ये भी अर्थ लगा सकते हो कि भूमि और सुरभि एक है, लेकिन ये कहीं बताना था तो गोस्वामी जैसे कवि कुल चिड़ामणि बेकार ज्यादा शब्द का प्रयोग नहीं करता। एक ह्रस्व दीर्घ भी हमारे यहाँ कवि लोग नहीं करते, ज्यादा बताते हैं। तो क्यों, तो लक्ष्मण जी को किसी ने पूछा कि आप चार के बदले पांच के लिए प्रभु आए ऐसा बोल रहे, भक्तों के लिए? बोले हाँ भगत के लिए, साधुओं के लिए, विप्रधैनु सुर संत, संत के लिए, भक्त के लिए, वो तो बराबर है। भगत भूमि, भूमि शब्द यहां बढ़ाया है, भूसुर विप्र, विप्र के लिए तो बताया है, भूसुर माने विप्र। भगत भूमि भूसुर सुरभि विप्रधैनु सुरभि धैनु गाय। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित देवता विप्रधैनु सुर, लेकिन यहां भूमि शब्द एक बढ़ गया। तो श्री लक्ष्मण जी को पूछा कि वहां तो ऐसा लिखा कि ब्राह्मणों के लिए, गायों के लिए और देवताओं के लिए और संतों के लिए आए, और यहां आप एक शब्द बढ़ा रहे भूमि के लिए, क्या बात। बोले गायों के लिए प्रभु आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं, लेकिन दृश्य देखकर मुझे कहने की इच्छा हो गई कि भूमि के लिए भी आते हैं। मही सोवत थे राम गोसाई, ये भूमि का सदभाग्य है कि मणि पलंग पर सोने वाला भूमि पर सोता है, इसलिए मही के लिए आए वो सिद्ध हो गया। वो नंगे पैर धरती पर चल रहे हैं, इसलिए सिद्ध हुआ कि भूमि के लिए आया है, धरती के लिए आया है। धरती को गदगद करने के लिए, उनको धन्य करने के लिए, धरती को कृतकृत्य करने के लिए आए हैं। अथवा भूमि के लिए आए माने, और लोग तो संसार में भूमि के लिए आते हैं और लड़ते हैं, विकार ग्रस्त हो जाते हैं, भेद पैदा होता है कि मेरी इतनी भूमि, उनकी इतनी भूमि, मेरा इतना खेत, उनका इतना खेत। लेकिन यहां तो कोई विकार और भेद नहीं, केवल समग्र भूमि को कृतकृत्य करने के लिए आते हैं, सबकी भूमि को धन्य। किसी की भूमि प्रभु ने रखी, बाली को मारकर उनकी भूमि सुग्रीव को दे दी, रावण को मारकर वही भूमि उसने विभीषण को दे दी, और अयोध्या की भूमि तो वचन दिया था कि मैं 14 साल के बाद आकर फिर वो करूंगा, इसलिए स्वीकृति, इसलिए कबूल किया। तो भूमि के लिए आए, वरना ये हस्ती भूमि पर सोती, जिसको वेद नीति नीति कहते हैं, उसका भूमि शयन भला कौन करा सकता। तो भगत भूमि भक्तों के लिए, भक्तों के परित्राण के लिए, भूमि की कृतकृत्यता के लिए, भगत भूमि भूसुर ब्राह्मणों के यज्ञ की रक्षा के लिए, क्योंकि यज्ञ मिटते जा रहे थे, तपोवनी संस्कृति का ध्वंस होता जा रहा था, ब्राह्मणों के यज्ञ और उपनिषदी विचारधाराओं को अक्षुण सुरक्षित रखने के लिए, भगत भूमि भूसुर सुरभि गायों का रक्षण करने के लिए, देश की राष्ट्र की समाज की गौधन बच जाए उसकी, क्योंकि मैं बार बार का पूरा रघुवंश को सेवी रहा था, और ये गायों के रक्षा के लिए, गायों की सुरक्षा के लिए, भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहितला देवताओं को रावण के बंदी ग्रह से मुक्त करा दी। कृष्ण अवतार माता पिता से लेकर कितने कितने के बंदी में कौन कौन पड़े थे उनको मुक्त कराने के लिए, और यहाँ राम का अवतार देवताओं को बंदी ग्रह से छुड़वाने के लिए, सुरहित लागी कृपाल, ये परमात्मा कृपा करके इतने लोगों के लिए करत चरित धरी मनुजतन, मनुष्य का देह धारण करके चरित्र कर रहे, इसीलिए लगता है कि धरती पर सोए हैं, दुखी हैं, कैसा था, क्या हो गया, देखा नहीं जाता, विषाद होता है। ये तो मनुष्य चरित्र कर रहे हैं, मनुष्यों की समान बनकर, और इसीलिए कर रहे हैं कि सुनत मिटे जग जाल, वो सुनने से संसार की जाल मिट जाए, संसार के फंद मिट जाए, संसार से आदमी मुक्त हो जाए। जो कहत गावत सुनत समझत, जो कहत गावत सुनत समझत, परम बल नर पावही रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही।
निज भवन गवने उसी दूसरी रघुपति अहमत भायगु कह चरण सलिम भारी निश्चर राम सीतयान त्रैलोक पावन तुजस सुर मुनि नारदा बखान जो कहत समझत परम पद नर पावहि रघुवीर पद पातो ज मधुकर दास तुलसी गावहि रघुवीर पद पातो ज मधुकर दास तुलसी गावहि जिसका चरित्र सुनने से जग की जाल मिट जाएगी। यह चरित्र केवल सुनने वालों को ही नहीं, यह चरित्र ज गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकु यह चरित्र ज गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकु विप्रधेनु सुर संत हित लीना मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तरु माया गुण गोपाल भगत भूमि भूषण सुरभि सुरहित लाहि कृपा करत चल धरि मनुज तरु सुनत इच्छा निर्मित तनु जग जा। तो हे गुह ये साक्षात ब्रह्म है, ये साक्षात परमात्मा है, मैं जो कहूँ उसको ठीक से समझना तो तेरा काम बन सकता है। अर्जुन को भगवान ने कहा गीता में कि मैं जिस ढंग से बोला हूँ इस ढंग से बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित सततम ऐसे सुन लेना। यदि अहंकार से तूने नहीं सुना तो तेरा नाश हो सकता है, तेरा समापन हो सकता है। मेरे में चित्त लगाने से तू समस्त दुर्गों को पार कर सकता है, समस्त किले को पार कर सकता है, समस्त मत प्रसाद मेरी कृपा से तैर सकता है। केवल गीता का जो अंतिम आदेश मत चित हो जा और यहां श्री रघुवीर चरण रत हो, दोनों बातें ब्रह्मविद होना ये भगत होना कोई फर्क नहीं है, दोनों बात आखिर में एक ही है, कोई फर्क नहीं। शब्दों का चुनाव है अपनी अपनी मस्ती के अनुसार, बाकी क्या फर्क पड़ता है एक ही बात। मच्चित का अर्थ, मुझे किसी ने आज चिट्ठी लिखी है कि मुझे ज्ञान में रुचि नहीं, मुझे विराग में रुचि नहीं, मुझे भक्ति में रुचि नहीं, मुझे ध्यान में रुचि है। तो ध्यान भी आखिर में भक्ति ही हो जाती, किसका ध्यान करते हैं, कोई तो होगा ना। ध्यान में चित लगाना पड़ता है और हमारे गोस्वामी जी यही चित लगाओ कि रत हो जाओ, दोनों बात एक ही है। कोई ध्यान में चित लगाता है तो कोई भजन में रत हो जाता है, परिणति दोनों की एक ही है। भगति ही ज्ञान नहीं कछु मच्चित होने की जो बात है, मेरे में चित लगा तू मेरा हो जा, मामेकम शरणम व्रज, बस यही सूत्र उपसंहार में श्री लक्ष्मण जी दे देते हैं। तो आइए अंतिम अंत में फिर वो मुख्य पंक्तियों का पाठ कर भैरव सखा समुझी मोह गए बिनु राम पद हो ही न त्रणि अनुराग जी ये क्रम बताया है। परि हरि सिया राघुवीर चरण रत हो, सिया राघुवीर चरण रत हो। और ये लक्ष्मण गीता का फल क्या है, कहत राम गुण भाभी तमसो मा ज्योतिर्गमय
उजाला हो गया, मोहनिशा खत्म हो गई, ज्ञान रात्रि दिन का उदय। कहत राम गुण भाविनु सारा, कहत राम गुण भाविनु सारा। जागे जग श्री लक्ष्मण गीता। तो लक्ष्मण जी ने जो कुछ बातें कही सो इन दिनों में आपके सामने रखी जा रही थी। पूरा प्रसंग का सार है भगवत चरण में लग जाना, नामेकम शरणम। ये पूरा जो निचोड़ है वो यहाँ भी निचोड़ है, लेकिन पहले मैं कहा था सो याद दिलाकर पूरा करूँ कि भगवद गीता और ये लक्ष्मण गीता का अंतर वो है कि वहाँ गीता जब पूरी हुई तो नर जागा, यहाँ गीता पूरी हुई तो नारायण जागा। वहाँ तो नर अर्जुन जागा, नष्टो मोह, मेरी स्मृति आ गई अब कर इसके वचन तब आदि नर जागा, लेकिन ये गीता विशिष्ट है क्योंकि यहाँ नारायण जागा है। जागे जग मंगल सुखदा, और जिसका राम जग जाए फिर उनको कौन तकलीफ है। जीव जागे और फिर कब लड़खड़ा जाए क्या ठिकाना। कई बार ये जीव जागता है, कई बार अपने आप को मूर्छा में अनुभव करता है, लेकिन जिस जीव का राम जग जाए जग मंगल। अभी तक राम गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या को मंगल देने वाले थे, ये मंगल भवन दशरथ अजीर विहारी थे, अभी तक ये राम जनकपुर का मंगल करने वाले, लेकिन गुह का आतिथ्य होने के बाद वो जग मंगल करने वाले हो गए, विश्व मंगल करने वाले सिद्ध हुए हैं, और नारायण जग गया है। और जीव जगे जगदीश जगे तो फिर बीच वाला जगत कहाँ टिकता है मेरे भाई, फिर कहाँ ये सब। फिर तो उनकी बनाई इन बाग में घूमने का एक आनंद आता है, एक मस्ती आती है, और ये जीवन एक परम विश्राम से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। तो ऐसी ये लक्ष्मण गीता, रामानुज गीता, भगवद भक्त गीता, मानस लक्ष्मण गीत तो आपके सामने कुछ ये बातें रखी गई थी। अब पांच जल्दी हम आपको बता दें कि बाल चरित कहीं विविध विधि मन मह परम उछा, ऋषि आगमन कहे सिपुनी श्री रघुवीर विवाह। भगवान का विवाह हुआ
श्री राम का अभिषेक की बात आई, मंथरा ने माँ कैकेयी को बहकाया, राम की रुख के अनुसार माँ कैकेयी ने बदनामी अपने पर मोल ली और राम को 14 साल का वनवास हुआ। भगवान वनवास के दौरान श्रृंगवेरपुर आए और गुहराज को उपदेश देते हैं, सखा समूजी अस परिहरि मोजी यह रघुवीर चरण रत हो। दूसरे दिन सुबह भगवान राम उदासीन व्रत को पूर्ण रूप में जटा बना करके फिर सुमंत को विदा करके गंगा के तट नौका में बैठ करके केवट से गंगा पार हुए। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए, भरद्वाज के शिष्य मार्गदर्शन के लिए साथ चले। मेरे प्रभु सबको धन्य करते हुए वाल्मीकि के आश्रम में आए और वाल्मीकि के कहने पर प्रभु का निवास चित्रकूट में हुआ। सुमंत अयोध्या पहुंचा, महाराज ने प्राण त्याग कर दिया, भरत जी आए। बहुत कितने कितने बीच में घटनाएं घटी। भरत ने पितृ क्रिया की, भगवान को मनाने के लिए भरत जी चित्रकूट आए, पादुका लेकर लौटे, नंदीग्राम में निवास किया और इस परम व्रती का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी के लेख में बोल पड़े, सी राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन भरत हे, मुनि मानन अगम यम नियम सम दम विषम आचर भरत जी के जीवन की चर्चा तो कौन कर सकता है। गोस्वामी जी तो कहते हैं, जहन जाय मन विधि हरिहर को, सौ में कुमति कहो यही बात, बाज सुराग की गार्डन का। भरत चरित्र तो मैंने कहा आपको कि भाई जब शुरू करेंगे तब खबर नहीं कब उसको। बहुत लोगों की मांग है भरत चरित्र भरत, लेकिन हमने ऐसा मनोरथ किया है, मैं पुनः एक बार कह दूं कि अगले साल चित्रकूट की कथा है, वहीं से उसका श्री गणेश करेंगे। स्थान संगति हो जाए ना, स्थल संगति हो जाए, फिर जब जब मौका मिलेगा, क्योंकि हमने अपने ढंग से गिनती की है तो भरत चरित्र तो आहा, साहस करना है, प्रेम सिंधु में गोता लगाना है, उसमें डूबना है। लेकिन आज तो यहां केवल मैं दर्श एकदम बोल बोल कर आगे बढ़ रहा हूं। भरत जी के चरित्र से एक बात सीखना, लोग कहते हैं ना कि भाई प्रेम में नियम नहीं रहता, प्रेम में नियम नहीं, नहीं, भरत ने दोनों का निर्वाह किया। राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन, भरत को इतने प्रेमी ने मुनिमन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आपोप को। लोग छूट जाते हैं प्रेम में नियम नहीं, हम प्रेमी तो हम पूजा नहीं करें, हम ये नहीं करें, हमको तो कुछ जरूर। भरत जी ने कठिन से कठिन नियम प्रेम के साथ जुगपद निर्वाह करके दिखाया। श्री भरत जी से नियम प्रेम दोनों सीखना, दोनों की दीक्षा लेना। भरत चरित्र सुनने वालों को दोनों वस्तु देता है, सी राम पद प्रेम अवश्य हो ही भव, वीरती भी देता है भक्ति भी देता है। दोनों का दाता भरत चरित्र है। अयोध्या कांड गोस्वामी जी यहाँ पूरा कर देते हैं। फिर अरण्य कांड में जयंत का प्रकरण आया, प्रभु ने चित्रकूट स्थान छोड़ा, अत्रि आश्रम में होते हुए
भगवान विराट को मारते, शरभंग को मिलते, सुतीक्ष्ण का प्रेम दर्शन करते, प्रभु महाराज कुंभज ऋषि के आश्रम में आए। वहीं से उनके निर्देश पर भगवान गोदावरी के तट पर पंचवटी पधारे। वहां प्रभु ने लक्ष्मण गीता का, राम गीता का बोध श्री लक्ष्मण जी को राम गीता सुनाया और फिर सुर्पनखा को दंडित किया गया। सुर्पनखा आई, लोग बहुत पूछते हैं नाक कान क्यों काटे, हमने कहा सुर्पनखा ने जितना अच्छा सत्संग किया संसार में किसी ने नहीं किया। ये महिला ने सत्संग बड़ा सार्थक कर लिया, क्योंकि लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य हैं। नाक कान काट दिए, नाक काट दिया मानी नाक काटी है, कथा में ऐसा आता है, लेकिन नाक काट दी, नाक मानी स्वर्ग। सुर्पनखा की स्वर्ग की कामना मिटा दी, जो भोग कामना लेकर आई थी नाक की कामना समाप्त कर दी। और कान, नाक संप्रदाय में नियम है कान फटा कर देते हैं, कान फाड़ आदे 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 नाक संप्रदाय कान फाड़ दिए, ऐसा शब्द डाला होगा कि सुर्पनखा के कान काट दिए, उसको कान में कुछ, इसलिए तो वो कान में ऐसे शब्द भर गए तो रावण की सभा में जाकर कहती हैं राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर्पे बिनु, ये सब कहां से आ गए, गुरु से बोध है, कान में भर गया था, नाक कान काट दिए। और गेरू की धारा, गोस्वामी जी कहते उसका शरीर गेरुआ हुआ, कपड़ा नहीं शरीर संन्यास ले लिया था उसने, शरीर ही गेरुआ हो गया था, केवल वस्त्र नहीं शरीर गेरुआ हो गया। तो बड़ी, वो तो स्वतंत्र प्रसंग है, लेकिन मैं संकेत कर रहा हूं, बड़ा सार्थक कर लिया था उसने। और फिर ऐसी महिला कि कहां दिखाई नहीं देती, अपने आप को शून्य कर दिया है, रावण के दरबार में दिखाई दी कि नहीं। दोनों महिलाओं ने कैसा काम किया, देखो मंथरा ने राम को वन में भेज दिया और सुर्पनखा ने रावण को वन में भेज दिया, लंका से उनको वन में भेज दिया, जा जान की वहां है, कैसे भी उकसा दिया, बालो चलो मान लिया, लेकिन आखिर में रावण के कल्याण का मार्ग घोषित था। उसने लक्ष्मण जी से जो पाया था, इसलिए रावण को कहा तू सबको तुच्छ समझ, मैं आज नाक को भी तुच्छ समझ कर आई थी, तू सबको तुच्छ मत समझ, राम को समझ, तू सबको कुछ, सच्ची बात यह है कि राम को और रावण को भी तभी यह विचार आया होगा, पहले तो कभी नहीं, इसलिए वो सोचता है कि हो ही भजन नहीं तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र। तो सुर्पनखा बड़ी दीक्षित हुई है मेरी दृष्टि में, हाँ नाक कान काटे, मुझे तो ऐसा ही लगता है, बस उनका कान फटा कर दिए, कान फाड़ दिया, सांस लेती थी जब आई ना सांपीनी की तरह, सांस में दर्द हो समझिए आपको, सांस में दर्द हो ना नाक बिंदे कान बिंदे, जिसको सांस का दर्द उनका कान बिन देते, कान की नस को, आज भी हमारे देहातों में प्रयोग, जिसको सांस का बहुत दर्द हो कान कर देते, सांस का दर्द बंद हो कान में दोरा डाल देते, सर्पिणी की तरह सांस ले, लखन जी ने कान फड़ा दिया, तुम अब तेरा ये सांस बंद हो जाए तेरा विश्वास शुरू हो जाए, ये जो संसारी श्वास लेना तेरा समाप्त हो जाए और विश्वास प्रकट हो जाए। बड़ी दीक्षित कर दी मेरे लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी कोई सामान्य किसी के नाक कान काटे, लेकिन इस अर्थ में भी उसका अर्थ हम आप ले सकते हैं। सुर्पनखा ने रावण को उकसाया, रावण मारीच को लेकर आया, सीता अपहरण हुआ, प्रभु रोते हुए, यहाँ जटायु की कथा आई, रावण सीता को लेकर अशोक वन में रख देता है, और यहाँ जानकी की खोज करते प्रभु जटायु का उद्धार करके शबरी के आश्रम में पधारे हैं। शबरी भगवान से कहती है मैं कैसे स्तुति करूँ, भगवान ने कहा कोई जरूरत नहीं, मैं इन सब में मेरी कोई रुचि नहीं है, करो तो ठीक है, बाकी मैं तो मान हूँ एक भक्ति कर नाता, नवधा भक्ति का बोध दिया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। फिर बोध सुनकर भगवान ने, फिर कहकर भगवान ने कहा जनक सुता की आपको कोई खबर हो तो बताओ। शबरी ने कहा यहाँ से पंपासर आप जाइए, सुग्रीव से मैत्री होगी, फिर वहीं से आपको सब खबर मिल जाएगी। योग अग्नि में अपने आप को समाप्त करके शबरी विदा लेती है, तब गोस्वामी जी गीता का एक संदेश देते हैं, नर विविध विविध कर, ये गीता का संदेश है, नर विविध सर्व धर्मान परित्यज्य तद सब त्याग विश्वास
करके प्रभु पंपासर आए, नारद जी से बातचीत और भगवान अरण्यकांड यहाँ पूरा होता है। भगवान किष्किंधा कांड में आगे बढ़ते हैं, सुग्रीव श्री हनुमान जी को परख के लिए भेजते हैं, हनुमान जी प्रवेश करते हैं। एक बार हमारे बाबा जी का जय जयकार बोलिए, हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी परमात्मा को पाते हैं और सुग्रीव को भी भगवान की प्राप्ति करा देता है। सदगुरु इसीलिए जरूरी है कि वो भगवान को अपने साथ लेकर तुम्हें दिखा दे। ऐसा सदगुरु कि सुग्रीव को नहीं आना पड़ा, स्वयं उनको लेकर गया है कि ले देख ले, राम का दर्शन कर ले। ऐसे सदगुरु की भूमिका अदा की है श्री हनुमान जी ने। और जब कोई सदगुरु ईश्वर की प्राप्ति करा दे तो जीवन के एक वाली नहीं सभी वाली मिल जाते हैं। वाली यानी मुरब्बी, वडील, काम क्रोध ये सब वाली हैं, बड़े बड़े सुभट्ट हैं, सब समाप्त हो जाते हैं, जीव धन्य हो जाता है। वाली वध सुग्रीव शासन प्रवर्षण वास चातुर्मास पूरा हुआ और सुग्रीव ने व्यवस्था की सीतान्वेषण की। हनुमान जी की टुकड़ी गई है दक्षिण में और संपाति से मार्गदर्शन लेकर निर्णय किया कि लंका में श्री हनुमान जी जाएं। किष्किंधा समाप्त किया और सुंदरकांड के आरंभ में जनमंत के वचन सुहाए हनुमंत हृदय लगी बोल पर के तुम भाई श्री हनुमान जी मुद्रिका देकर रघुवीर को याद करके लंका में प्रवेश करते हैं। बड़ा वीर विक्रम उनका, जो पूरा जो लीला है श्री हनुमंत लाल जी की क्या कहे। माँ को मिलकर आश्वासन देकर राम कथा सुना करके वहाँ विभीषण को जागृत किया, फिर माँ को मिले, फिर लंका का दहन हुआ चूड़ामणि लेकर श्री हनुमान जी। कई लोग मुझे पूछते थे कैसे पूरा होगा, बोलो कोई प्रसंग छोड़ रहा हूँ? सब प्रसंग आ रहे हैं। हमने कई बार कहा व्यास गादी पर बैठने के बाद एक अधिकार मिलता है, व्यास समास स्वमति अनुरूप। व्यास करने का भी अधिकार होता है और समास करने का भी अधिकार होता है। ये तो समय नहीं है इसीलिए, बाकी एक श्लोक में भी रामायण कही जाती है, आदव राम तपो बना, एक श्लोक में भागवत कही जाती है। यहाँ तो समय नहीं है इसीलिए। तो श्री हनुमान जी आए, भगवान की सेना ने प्रस्थान किया, समुद्र के तट पर मुकाम किया। यहाँ लंका में खलबली मच गई, विभीषण ने रावण को बोध दिया, माना नहीं, विभीषण को चरण प्रहार किया और विभीषण भगवान की शरण आए। रामायण में ऐसा लिखा है, कई लोग पूछते हैं कि विभीषण विमान नभपथ आया, नभपंथ चला था ना वो सचिव संगल है नभपथ गए, तो विमान से आया, अपना स्वतंत्र विमान रहा होगा, समृद्ध तो था रावण, सबके घर में होगा अपना अपना व्यक्तिगत विमान होगा, तो कोई आपत्ति नहीं है इसमें, इतना समृद्ध था। अथवा तो मन में न उतरे तो मेरा तो इतना ही कहना कि ईश्वर के पास जाना हो तब
अति तीव्र गति से जाना चाहिए, क्योंकि समाज की लंका फिर कब पकड़ ले क्या थे। इसलिए नभपथ पे आज तीव्र गति से गए। गोस्वामी जी का एक अभिप्राय तो ये है कि रावण ने जब निकाल दिया तो विभीषण कुबेर के पास गए। कुबेर भी उनका भाई लगता है ना, जरा उनको कह दे कि रावण ने निकाल दिया है तो मैं राम के पास जा। तो कोई गैर समय, कुंभकर्ण को तो कहने का प्रश्न नहीं क्योंकि वो सोया था, उसको जगाना बड़ा मुश्किल था बे समय। तो कुबेर उसके मन में आया तो वो कुबेर के, और जब वो कुबेर के पास जाता है तो वहां शंकर भगवान थे। उसी समय कुबेर के पास शंकर जी बार बार जाते हैं लोन लेने के लिए उनके पास से, थोड़ा दो क्योंकि भगत देखता हूं तो मैं जरा भी कंजूसाई नहीं करता, सबको लूटा देता हूं और फिर कुछ रहता नहीं। तो बार बार कुबेर के पास जाता है, वहां से सब सीढ़ी लोन ले लेते और फिर दुनिया को देते रहते। तो शंकर भगवान कुछ ऐसे काम के लिए वहां गए होंगे। उसी समय विभीषण आया और विभीषण कुबेर को कहता है कि भगवान के पास जा रहा हूं, तब जाऊं तो शिव जी को पूछो। शिव जी ने तब कहा कि ईश्वर के पास जाने में मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, तुरंत कूद पड़ो। और फिर वो कूद पड़ता है प्रभु की शरण। भगवान ने विभीषण का मत कबूल किया, 3 दिन भगवान का अनशन समुद्र के पास। समुद्र फिर बीच में शुकों की कथा आ गई और समुद्र ने अपनी जड़ता प्रदर्शित की। विनयन मान जल्दी जड़ जड़ है, प्रकृति के अंग सब जड़ है। गोस्वामी जी कहते हैं अपनी जड़ता प्रदर्शित की और भगवान ने सत सन विनय कुटिल सन प्रीति वाला सूत्र उठाकर उसको दंड दिया है, यानी भयभीत किया है। विप्र रूप लेकर समुद्र आता है, भगवान को सेतुबंध का प्रस्ताव देता है और प्रभु को ये बात अच्छी लगी। तीर चढ़ाया था वो समुद्र की पीड़ा हरने के लिए, फेंक दिया उत्तर दिशा में जो तट पर थे। दक्षिण में तो अब जा ही रहे मारना है, उत्तर में भी कोई रहना जाए, उस तट का भी समापन कर दिया। राक्षसों से निश्चरहीन करो वही, ये जो सरकार की प्रतिज्ञा है उसको सफल करना चाहते थे। तो और भगवान फिर भगवान राम के पास समुद्र ने सेतुबंध का वो प्रस्ताव रख दिया, प्रभु ने कबूल कर लिया और मेरे बाबा जी ने लिख दिया। भवन गवने सिंधु श्री रघुपति अहमत भायहु, यह चरित काली मल हर कथा मति दास तुलसी गायहु। सुख भवन संशय दमन दमन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावई सुनहि संतत सठ मना। तज सकल आस भरोस गावई सुनहि संतत सठ मना। लंका कांड के आरंभ में भगवान शिव जी का स्थापन किया है, रामेश्वर जी की पूजा करवाई। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोली, बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। तुलसी की विचारधारा है शालिग्राम और शिवलिंग का समन्वय, शैव और वैष्णवों का सेतुबंध, ये गोस्वामी जी की विचारधारा है, वो जोड़ते हैं। इसलिए हमने कई बार कहा तुलसी जन्म लेते हैं जमुना के तट पर, कथा कहते हैं सरजू के तट वालों की और कथा अर्पण करते हैं विश्वनाथ को गंगा के तट पर। समन्वयी साध संत हैं, संगम करते हैं शालिग्राम और शिव का समन्वय, वो तुलसी की संगमी विचारधारा थी। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, हे नरक रही कलप भरी घोर नरक महावास। सूत्र दिया हरिहर एक हैं, वो सिद्ध किया। और बाबा जी कहते हैं सेना लंका के सुबेर के पास और रावण की सभा का रसभंग प्रभु ने अपना आगमन दिखा दिया। दूसरे दिन सब मित्रों का मत लेकर अंगद को राजदूत के रूप में भेज दिया। मंत्रणा असफल युद्ध अनिवार्य, बिगुल बच गए दोनों। और राक्षस और बंदरों भालुओं की सेना लेकर साम सामने भयंकर अन समय आखड़ा युद्ध में अनड़भड़। और राष्ट्र के शब्द अनसमय आखड़ा युद्ध में अनड़भड़, अनड़भड़ इसका हिंदी करना कठिन है। अनसमय आखड़ा युद्ध में अनड़भड़, बहुत बड़ा युद्ध, घमासान युद्ध हुआ। राम और रावण का युद्ध कैसा, बोले राम रावण के युद्ध के समान, उसकी कहीं तुलना। फिर लक्ष्मण और इंद्रजीत का युद्ध, कुंभकर्ण का युद्ध, रावण का युद्ध कौन वर्णन कर दे। साहित्य में उनका बड़ा रोचक वर्णन मिलता है। बहुत वर्णन है। अब जाए
अण समय आधड़ा युद्ध बे अनड़भड़ घोर युद्ध जानू भारी उछले नाग जम बाण आसमान मा अदर धन बाद जी शीश उड़े बाद पक्षी को तरह शीश उड़ रहे अदर धन बाद जी शीश उड़े फैलाना रक्त धर रधि दल फैल गया बापड़ा हाथी ने अश्व डूबे रक्त और रुधिरों की नदियों में हाथी डूब गए ऐसा बापड़ा हाथी ने अश्व डूबे प्रबल घोर जपाते केल वन धर पड़े केलना थामला धार धार जैसे पवन के जपाते से गिरदा कदली के थम पवन घोर जपाते केल वन धर पड़े एम कई कई ना चुंड पड़िया साम सामा भरे वीर संग्राम मा सोई दस बांधी जम मेघ चढ़िया सुरदेव लक्ष्मण बाण लई छोड़ियो रावण असुर पुत्र ने रुदे लाजो मैं तो कटी कर धड़ ने शीश जुदा करी वैर दल दीखी ने व्योम व्यास मस्तक मस्तक काटू पति भाग काटो हाथ कपाणो मस्तक राम के पास धड़ रावण के पास हाथ सुलोचना के पास शोभती सुलोचना है सिंह हाथ ने अने कटी मुख किंकरी बात की थी एक दासी ने देखा कि हमारे मालिक की भुजा आई है पतिव्रता सुलोचना ने देखा भुजा आई तो देखा कि जिसके साथ हस्त मिलाप हुआ था लेकिन सतीत्व कोई ने माया तो नहीं की इसलिए परीक्षा के लिए कलम कागल ने दोत हाजर करया लंबाणो हाथ में कलम ली थी राम बंधु तना गुण आलेखवा कागल पर वात दी शुरू की जो मारा मेरा पातिव्रत ठीक है तो ये भुजा यदि मेरे पति की है तो लिख दे कि मैं मेघनाथ की भुजा हूँ मेरा सत यदि सलामत है तो ये हाथ का इतना टुकड़ा इसको कलम दी और मेघनाथ की भुजा ने कलम उठाई और भूमि पर लिखना शुरू कर दिया कलम कागड़ ने दोत हाजर करया लंबाणो हाथ में कलम लीजी राम बंधु तना गुण आलेखवा कागड़ पर वातड़ी शुरू की थी शीश मारू गयू रामना चरण मा हाथ लिखता मेरा शीश राम के पास शीश मारू गयू रामना चरण मा संदेशो आपवा भूज आवी ये भुजा आपको खबर देने के लिए आई और हणायो वीर लक्ष्मण तना हाथ थी मारा भाग्य मा लख्यू हसेज भावी विधि ने जो लिखा सो हुआ मैं लक्ष्मण के हाथ मरा हूं लेकिन भुजा ने अपनी पत्नी को कह दिया कि एक बात मैं कह देता हूं कि पृथ्वी रूप का बलो शाही सागर तनी कलम तरवर्तनी भले कावे अने शेष गणपत अने लखे वड़ी शारदा तो ये रघुनाथ ना बंधु ना गुण नो पार ना पृथ्वी का कागज वनराय की लेखनी गणेश सरस्वती और शेष लिखने और बड़े बड़े लिखने शेष गणपत यने लिखे वाली शारदा शारदा ये सब लिखने लगे तो भी रामानुज का पार लाना कठिन है बीन जो जीभ ने देह वन बावड़ू मति मंद ताम सी देह हमारी सामंत कहे गुण गाय हाथ श्रीनाथना निकसी कलम गए हाथ म्यारी हाथ से कलम ऐसा धमाधाम इंद्रजीत मरा कुंभकर्ण मरा और रावण मरा रामचंद्र भगवान इस गर्मी में हमको उसको बहुत परेशान करना नहीं था वो तो दुनिया को तपाता था हम तो साधु हैं किसी को तपाते नहीं जितना हो सके जल्दी 31 बाण प्रभु ने खींचे 31वां नाभि में लगा रावण धरती पर गिरता है और जीवन में अंतिम बार राम शब्द पहली बार और अंतिम बार राम बोला भगवान के तेज में रावण का तेज समा गया देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की मंदोदरी ने भगवान की स्तुति की है विभीषण को लंका का राज तिलक हुआ है यहाँ सब संस्कार हुआ सियाजू को लाया गया अग्नि से जो मायावी प्रतिबिंब रूप था वो जल गया मूल जान की कनक पंकज की कली मानो अग्नि से सूर्य गुजरा और सही कुंदन बाहर निकला भगवान राम के पास आद्य शक्ति आहलादिनी शक्ति परमात्मा की आदि शक्ति भगवान के निकट खड़ी है श्री लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया है देवताओं ने स्तुतियां की अमृत की वर्षा की राक्षस लोग रामाकार स्थिति में मरे इसलिए मुक्त हो गए बंदर भालू माँ के दर्शन की अपेक्षा रख रहे थे इसलिए जीवित हुए हैं विभीषण ने वस्त्र अलंकार बरसाए बंदर भालुओं ने पहने हैं भगवान सबसे विनोद कर रहे हैं और फिर प्रभु ने मुख्य मुख्य व्यक्ति को संग रखे बाकी को कहा तुम्हारे बल से मैंने दुश्मन को मारा है मेरी कीर्ति जब तक गाई जाएगी तब तक तुम्हारी कीर्ति भी गाई बंदर भालू रो पड़े मालिक
ये तो आपकी महानता है, बाकी मच्छर कभी गरुड़ को मदद नहीं कर सकता महाराज, ये तो आपकी कृपालुता और महानता है, आदेश को कौन ठुकरा सकता। सब अपने अपने देवता के आंशिक अवतार से लोक की ओर चल दिए और भगवान ने पुष्पक विमान तैयार हुआ है, जानकी लखन मित्रगण विभीषण आदि सब, और दक्षिण से ब्राह्मणों को वंदन करके भगवान का विमान उत्तर दिशा की ओर उड़ान भरता है। विमान चल पड़ा है, कुंभजादि मुनि नायकों को वंदन करते हुए भगवान राम जी ने हनुमान जी को कहा कि आप जल्दी अयोध्या पहुंच जाएं, क्योंकि यदि दिन बीत गया तो शायद भरत को मिलना मुश्किल हो सकता है। श्री हनुमान जी अयोध्या पहुंचते हैं, विमान श्रृंगवेरपुर आया, फिर गुह को प्रभु मिल रहे हैं, गले लगाया और गुह उस समय बड़ा गदगद हो गया कि आज मेरे भाग्य की मेरे नसीब की कोई सीमा नहीं कि आज रघुराज स्वयं आकर मेरी कुशल पूछ रहे हैं, मेरी खबर पूछ रहे हैं। फिर गुह को भी साथ में लेते हैं, लंका कांड यहाँ समर विजय भगवान का जो है उसकी कथा यहाँ समापन होती है। उत्तरकांड के आरंभ में अयोध्या की विरह दशा का वर्णन है, बिल्कुल शरीर कृश हो गया है श्री भरत जी का। राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात, नेत्र से अश्रु धारा बह रही है। आज यदि नहीं आए तो क्या होगा। इतने में हनुमान जी आ गए, खबर सुनाई, बाबा वशिष्ठ जी को खबर दी, नगर में बात फैल गई। हनुमान जी को भरत जी ने कहा अब विलंब न किया जाए, हनुमान जी लौट गए और नगर में बात फैल गई। राघव पधार रहे हैं, अयोध्या का ये जो दर्द दुख था वो समाप्त होने जा रहा है। भगवान का विमान सरजू के तट पर उतरता है, प्रभु के साथ आए बंदर भालू अयोध्या की भूमि पर पैर रखते ही मनुष्य के मनोहर शरीर में आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अयोध्या ऐसी राम जन्मभूमि है कि जहाँ पैर रखते ही बंदर भी मनुष्य हो जाते हैं। मानव सभ्यता की ये भूमि, मानव बनाने वाली ये भूमि, उसी भूमि ने चतुर्भुज को द्विभुज बनाया था, ईश्वर को नारायण को नर होना सिखाया था, इसी भूमि पर आज बंदर भालू भी मनुष्य के रूप में आ गए हैं। सबको प्रभु मिलते हैं, गुरुदेव को, आचार्यों को, माताओं को, भरत को, सबका परिचय करवाया। और गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं अमित रूप प्रगटे कृपा, हरि ने अमित रूप लिया और जथा जोग सबको मिले। भगवान को सब लेकर जा रहे हैं, भगवान को लगा कि माँ लज्जित हुई है, इसलिए गोस्वामी जी लिख देते हैं शंकर जी कैलाश से बोल पड़े पहले माँ कई कई के घर गए, यानी जहाँ से वनवास का वस्त्र परिधान किया गया था, जहाँ से वनवास का आरंभ हुआ था, वहीं वनवास पूरा करने जा रहे, उसी भवन में गए हैं और सुमित्रा को मिले, माँ कौशल्या को मिले, तब पूरा परिवार रो पड़ा। आज अयोध्या की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। गोस्वामी जी कहते हैं माता तो सोच रही मेरे राजकुमारों ने लंकापति रावण को कैसे मारा। अति आनंद हुआ है। ब्राह्मणों को वशिष्ठ जी ने पूछा, सबने कहा आज ही राज तिलक, अब कल का भरोसा करना ठीक नहीं। तुरंत निर्णय लिया गया, भगवान ने तीनों भाइयों को स्नान करवाया, खुद की जटा खुद ने खोली। भरत जी ने कहा प्रभु इतनी सेवा तो मुझे दो कि मैं आपकी जटा खोलूं। तब राम जी ने कहा कि मैंने सोचा था कि अयोध्या में जाकर राजा बनकर राज्य की समस्या में खोलूंगा, लेकिन तूने मेरे लिए कोई समस्या ही बाकी नहीं रखी, पूरी समस्या तूने समाप्त कर दी है, मेरे लिए कोई काम ही नहीं, कोई गूंच मेरे लिए खोलने की रही नहीं, कम से कम मैं तेरी जटा की गूंच खोलूं इतना तो मुझे काम दो। भरत की जटा प्रभु ने बिभराई, शत्रुघ्न की जटा बिभराई, लक्ष्मण जी की शत्रुघ्न को, लक्ष्मण को, सबको प्रभु ने स्नान करवाया और अपने हाथों से प्रभु स्वयं अपनी जटा खोल रहे, मानो इतनी गूंच में बैठा बैठा खोलूं, अब मेरे काम यही काम रहा, बाकी कोई काम नहीं।
राज्यारोहण का अलंकार स्वांग सजाया गया और धाम धूम से अयोध्या के राजमार्ग पर मेरे ठाकुर की सवारी निकली है। राज दरबार में भगवान की सवारी आई है। भगवान वशिष्ठ जी ने दिव्य सिंहासन मांगा है। आकाश में नाक नटिया नृत्य कर रहे हैं। देवताओं के विमान आकाश में चक्कर काट रहे हैं। जय हो गए गगन भेदी नारे हो रहे हैं। आनंद में डूबे हैं पूरा संसार। पूरे विश्व को राम राज्य मिलने जा रहा है। और काफी भीड़ अयोध्या के दरबार में। भगवान राम को आदेश हुआ ऋषियों से कि राघव हम ऋषिगण हम साधुजन आपको अनुशासन देते हैं कि अब आप शासन करो। शासन क्षत्रिय करते थे लेकिन अनुशासन साधु लोग करते थे राष्ट्र में, तभी राम राज्य होता था। इसलिए संतों ने महात्माओं ने कहा आप गाड़ी पर बैठो, गुरुदेव को माताओं को धरती को जनता को सूर्य को कुल को वंश को सबको प्रणाम करके भगवान राम जी गाड़ी पर विराजित हुए। श्री सिया जी विराजित हुई और विश्व को राम राज्य देते हुए भगवान ने भगवान राम के भाग में राम राज्य का प्रथम तिलक सारा। और मेरे बाबा जी की लेखनी फरती है, गोस्वामी जी लिखते हैं प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की महा तिलक वशिष्ठ मुनि की महा मुनि सब पवित्र आय सही बिलो अरसी महतारी बारदार आरती उतारी आरती जे श्री रघुवर दशरथ नंदन सीतावर राम के भाल में गुरुदेव ने तिलक सारा है। संसार को राम राज्य मिला। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए बोलिए राजा राम चंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सरजू मैया की जय। चारों भैया की जय। दिव्य राम राज्य की आरती हुई है। साक्षात वेद भगवान ब्रह्म आगार से आए राम दरबार में। वेद स्तुति करके वेद भगवान गए और अवसर पाकर भूत भावन शंकर जी पधारे हैं। प्रभु की स्तुति करके भक्ति और सत्संग का वरदान प्राप्त करके हर्षित होकर कैलाश गए और यहाँ भगवान ने मित्रों को निवास दिया। 6 मास बीत गए, फिर मित्रों को विदा दी है। एक हनुमंत वहां रहे, बाकी सबको विदाई दी। पुण्य क्षीण हो गए मानो सबके और फिर सब अपने संसार में गए। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा। श्री हनुमान जी के पुण्य क्षीण नहीं हुए इसलिए वो सदैव कायम भगवान के पास रहे। बाकी तो पुण्य क्षीण होते जैसे मत लोक की ओर आदमी की गति हो जाती वैसे सबको भेज दिया। दिव्य राम राज्य की स्थापना हुई। कोई किसी से वैर नहीं करता, विग्रह नहीं करता, कोई दिन नहीं, कोई दुखी नहीं, कहीं विषमता नहीं। दिव्य राम राज्य त्रिलोक में स्थापित हो गया था। और दिन बीतते चले, फिर कुछ छोटे बड़े प्रसंग मानस में आते हैं। भगवान ने पुरजन गीता कही सो, गुरु से मुलाकात, बाग में जाना, सनकादि को नारद आदि का आना, भरत का प्रश्न पूछना, संतों की महिमा गाना, फिर एक बार आम्रवाड़ी में जाकर सबको दान देना, ये सब छोटे बड़े प्रसंग गोस्वामी जी ने लिखे हैं। राम राज्य में राम राज्य होने के बाद फिर सीता जी का दूसरी बार का त्याग वो गोस्वामी जी ने रामचरित मानस में नहीं लिखा है। यानी हमने हर वक्त कहा कि सीताराम जी लोक हृदय के सिंहासन पर बैठ गए, फिर गोस्वामी जी उसको विलक करना नहीं चाहते थे। इसलिए पार्वती के प्रश्न पूछने पर भी स्वधाम और सीता का त्याग और स्वधाम गमन की कथा गोस्वामी जी मानस में नहीं लाते। फिर काकभुसुंडी जी का चरित्र आता है, गरुड़ और भुसुंडी जी का संवाद आदि, अंत में सप्त प्रश्न और गरुड़ भगवान की कथा सुनकर वैकुंठ गए। पार्वती कृतकृत्य अनुभव कर रही हैं। याज्ञवल्क महाराज ने कथा को विराम दिया कि नहीं, वो स्पष्ट संकेत मिलता नहीं है। तो भुसुंडी जी ने पूरा किया, शिव ने पूरा किया,
प्रयाग के तट पर कथा ये त्रिवेणी की तरह बहती ही रहती है और हमारे बाबा जी कली पावना अवतार गोस्वामी जी अपने मन को साधु समाज को कथा सुनाते कथा को विराम देने जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित्र सुहावा। परमात्मा का ये पावन चरित्र रघुनाथ जी की ही कृपा से मैंने गाया है। इस कलयुग में कोई साधन नहीं है, एक ही साधन है, हरि नाम को गाओ, हरि नाम को सुनो और हरि नाम को भजो, बस यही कलिकाल न साधन दूजा। साधन दूजा जो राम कलयुग है और साधन हम कहाँ कर सकते हैं। राम भजो, राम को गाओ, राम को सुनो। कले दोष निधे राजन अस्ति ये को महान, कर्तनादे कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम। भगवान सुखदेव जी ने जो कहा था, हरि नाम ही एक उपाय है, सरल साधन है, उसका स्मरण करो। उनका नाम पतित पावन है, नाम से किसको गति नहीं मिली। गोस्वामी जी कहते हैं, रघुवंश भूषण की ये कथा मैंने मेरी यथामति गाई है, जो सुनेंगे गाएंगे उनका कलिमल समाप्त होगा, मनोमल धुल जाएंगे, राम धाम की ओर गति हो जाएगी। मेरे शास्त्र से कुछ पंक्तियाँ जो हृदयस्थ करेगा तो वो राम धाम की ओर गति करेगा। बाबा जी कहते हैं, मेरे राम सुंदर हैं, सुजान हैं, अनाथ पर प्रीति करने वाले, करुणा निदान हैं, राम समान कौन है। मेरे जैसे मति मंद पर थोड़ी कृपा हो गई तो मैं परम विश्राम को पा गया, मैं राम के समान किसको गिरदाऊँ। गोस्वामी जी बोले, जाती कृपा लवलेश ते मति मंद सीदास पायो परम विश्राम राम समान यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुकरिणा स्त्रीशम्भुना श्रीमत् जो भक्ति मनीषम प्राप्ति रघुनाथना स्वांत शांत भाषा बद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं माया मोहनाहं श्रीमदं प्रेमानुपूरं सुमदं श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्या भजन्ति ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कल कल शुभवंदने सप्तम सोपान उत्तरकांड समाप्त श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। तो गोस्वामी जी ने पूरा किया, आज 9 दिन तक चली
कि राम कथा की परिक्रमा, रामचरितमानस की परिक्रमा इस मेवाड़ी व्यासपीठ से मैं उसको विराम देने जा रहा हूँ। आप सब भाई बहन और मुझे कुछ कहना नहीं है, सिर्फ इतना ही कहकर मैं मेरे शब्दों को विराम देने के लिए आगे बढ़ूंगा। लेकिन 9 दिन तक आप भाई बहनों ने बड़ी श्रद्धा, जिज्ञासा, एकाग्रता और शांति से इस शास्त्र का श्रवण किया है। बस आपकी बुद्धि में कोई बात पहुंची हो ठीक से, और यदि आपके जीवन का सत्य बन जाए तो उसको पकड़े रहियो। जीवन निर्भय और निर्भार होगा, क्योंकि निर्भार और निर्भय जीवन करने का एक ही उपाय है कि जीव भगवत चरण पर निर्भर हो जाए, उनका हो जाए। युवान भाई बहनों, राष्ट्र गौरव, भारत की सभ्यता, भारत की शूरता, वीरता, भारत का सत्य, भारत की महानता, राजस्थान की भूमि ने उसको बहुत बल दिया है। आपके कंधे पर और जिम्मेवारी है, सदग्रंथ, सदगुरु, मंदिर, वेद, आश्रम, हमारी जो महान परंपराएं हैं उनके लिए सेवा का व्रत लेना। सत्संग करोगे, सेवा करोगे, स्मरण करोगे तो आपके व्यक्तिगत जीवन में और राष्ट्र जीवन में बहुत बड़ा बल मिलेगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। सेवा कथा रसमहो निरताम पिबत्वम, ये बात को ग्रहण कीजिएगा। और मुझे लगता है अब क्या कहें, कई भाई बहनों का ऐसा था कि कथा पूरी कब सुनने मिलेगी, ऐसी कुछ जिज्ञासाएं मेरे पास आई, लेकिन कोई न कोई मूल प्रसंग रामचरितमानस का ही लेकर कथा कही जाती है। फिर भी संक्षेप में जितना प्रसंग हम आपके सामने रख पाए, व्यासगा जी ने रखा है, सत्संग से अपने जीवन को प्रकाश में सदैव रखने की अविवेकपूर्ण प्रवृत्ति करना, ताकि बहुत अच्छा आपका जीवन रहेगा। ये 9 दिवसीय कथा आप लोगों ने जो आयोजन किया, उस 9 दिवसीय कथा का फल मैं बिलग बिलग जगह बांटना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ये श्रद्धा है कि एक कथा होने के बाद पुण्य बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ, श्रोता वक्ता के बहुत पुण्य बढ़ जाते हैं, और इस पुण्य को सबसे पहले मैं गिरधर दीवानी मीरा के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। मीरा के चरणों में एक भाग अर्पण करता हूँ, दूसरा भाग राष्ट्र के गौरव, देश की अखंडता और अपने शौर्य से 4 चांद लगाने वाले महाराणा प्रताप और उनके लिए जो काम में आ गए थे, जो लोग राणा के लिए इन शूर और उनकी जनेताओं के चरणों में रख रहा, और उसका एक तीसरा भाग मैं एक प्राणी को दे रहा हूं और चेतक को प्रदान कर रहा हूं। राणा प्रताप के अश्व चेतक को ये तीसरा पुण्य, और मैंने कल जो माहिती सुनी मैं खुश हो गया। मैंने श्रीनाथ जी में जो कथा कही थी वो माँ वाली, कि राणा के लिए जो शहीद हो गया उनके परिवार की एक सदस्य बलवा बोल करके आई थी, कल उनके परिवार से 2 भाई आए हमारी मुलाकात, बोले बापू हम हमारी बड़ाई नहीं करेंगे और आपको अच्छा लगाने के लिए नहीं बोलते, लेकिन राजस्थान के साथ सौराष्ट्र का संबंध नहीं होता, तो राजस्थान की इतनी वीरता में 4
उसने मुझे माहिती दी कि ये चेतक घोड़ा सौराष्ट्र से आया था। हाँ हाँ, और फिर मैंने समाधान लिया, फिर तो विजय हो इसमें क्या, सौराष्ट्र का पानी ही कुछ ऐसा है जो महात्मा गांधी दे सकता है। सुदाम अकिंचन सुदाम देखता है, और जहां अपने जीवन का अंतिम अध्याय को बंद करता है भगवान योगेश्वर कृष्ण, ये जो सौराष्ट्र में मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, दो व्यक्ति वहीं जाए और एक चारण वो चेतक को लेकर आया था। मैं तीन जगह इस भूमि की शूरवीरता के चरणों में, इस भूमि के तलवार के चरणों में, इस भूमि के एक तारा के चरणों में, मीरान जो एक तार यानी भक्ति के चरणों में, शूरवीरता के चरणों में, और सौराष्ट्र से आया वो चेतक के चरणों में, तीन जगह ये पुण्य समर्पित करने जा रहे हैं। हमको राजस्थान अच्छा लगता है, कुछ भूमि की राजस्थान इसलिए कि शूर की भूमि, हमको कायर शूरवीर लोग, बलिदानी लोग, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, साधु संतों के लिए कुर्बान होने के लिए जो तैयार हो जाए, ऐसी ये भूमि है वीरों की, पीरों की, मीरा की। इसलिए एक बार गा लूं, आ तो सुरगा पो शर्माए पर देव रमन में आए, हीरो जस नारी नर गाए धरती धोरारी, आ तो सुरगा को शर्माए पर देव रमन में आए, सुनारी नर गाए धरती धोरारी, पर तनड़ो मनड़ो वारारी, पर तनड़ो मनड़ो वारा, पर जीवन प्राण उबारारी, पर जीवन प्राण उबारा, धजा उड़े तीरी धजा उड़े गिरनारा धरती धोरारी, धरती धोरारी, धोरारी धरती धोरारी, धोरारी धरती धोरारी, धोरारी धोरारी, धोरारी धोरारी धोरारी। राजस्थान प्रदेश है ऐसी राजस्थानी धरा पर फिर एक बार कथा कह पाए, और क्यों न हो इसी धरा पर जगतगुरु निम्बार्क की तीर्थ है, वहाँ कैसा भी आसीत रहते हैं इस धरी की धरा, इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि इस धरा पर निम्बार्क पीठ में जब जब मौका मिले हम आते रहेंगे। तो हम कथा को अब विराम देने जा रहे हैं आपके समग्र आयोजन से। समग्र आयोजन बड़ा अच्छा रहा है, आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा से कथा का श्रवण किया है,
हम प्रसन्नता के साथ आपसे विदा ले रहे हैं। मेरे भाई बहन, आशीर्वचन तो परम पूज्य आचार्य चरण ने प्रदान कर ही दिए हैं, फिर भी व्यास गादी पर बैठकर मैं मेरे हनुमंत के चरण में प्रार्थना करूंगा कि आप सब, पूरा प्रदेश, भगवान आप सबको परम प्रकाश प्रदान करें, परम प्रसन्नता प्रदान करें और परम प्रगति प्रदान करें। ऐसे ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करता हुआ मैं मेरे शब्दों में विराम दूँ, शब्दों को विराम दूँ। इससे पूर्व इन नवदिवसीय सत्संग में वक्ता श्रोता किसी से भी जान अनजाने में कोई त्रुटि रह गई हो, उनकी पूर्ति के लिए एक मंत्र 3 बार बोल लिया जाए ताकि सत्कर्म संपन्न हो जाए। पहले हम बोले, फिर आप ऐसे 3 बार अवधि करें। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। और पूरा सत्कर्म जो हमने कहा कि समर्पित कर दिया गया, अब हनुमान जी को विदा दें। इससे पूर्व केशवम श्री राम नारायण कृष्ण कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण रघुवीर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई शंकर की हरि ओम। नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। और अंत में जय जयकार करें, इससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय कर लें, फिर इस कथा को जय जयकार के साथ विराम दिया जाएगा, आरती होगी। इससे पहले फिर आप सब ऐसे ही मर्यादा और अदब बनाए रखें, कृपया आरती बाद में अंत में होगी, उससे पहले पूज्यपाद आचार्य चरण एक विशेष माहिती आपको प्रदान करेंगे और फिर आप फिर एक विशेष घटना है वो अभी खोल दी जाएगी और फिर आरती अंत में होगी। तब तक आप ऐसे ही मर्यादा बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना 1 मिनट के भी लिए भगवान नाम ना। राम 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 राम
सत्संग राम कथा यहाँ विराम ले रही हैं। आप ऐसे ही मर्यादा बनाए रखें। अभी अभी पूज्य चरण से कुछ आपको सूचना मिलेगी, माहिती मिलेगी, और उसके बाद आरती होगी। सबसे अंत में आरती होगी, तब तक आप ऐसे ही शिष्ट और मर्यादा बनाए रखें। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सदगुरु समस्त भगवत जन, अभी जिस आगाध रससुधा सिंधु में आप सब अवगाहन पूर्वक निमज्जित हो रहे थे, सुरवृंद देवगण इस आपके अनुपम परम आनंदमय रसमय स्वरूप का दर्शन करके परम आह्लादित हो रहे हैं। आप समस्त भक्त महानुभाव परम सौभाग्यशाली हैं। संसार के आदि व्याधि शोक संताप सबसे निवृत्त होकर के, स्वच्छांतकरण होकर के, निर्मलांतकरण होकर के यहाँ इस विशाल भव्य पंडाल में, इस भीलवाड़ा के रमणीय क्षेत्र में श्री मुरारी बापू के द्वारा निर्झरित राम कथा सुधा का रसपान कर रहे हैं। ये जो बापू के बाम भाग की ओर जो संगीत के मर्मज्ञ विद्वज्जन विराजमान हैं, ये तो कितने सौभाग्यशाली हैं कि अनवरत इस रससुधा सिंधु में आप्लावित रह करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आप एक और देख रहे हैं जिनके हाथ में इतना मधुर वाद्य है, जिसको श्रवण करते ही हृदय पुलकित हो उठता है, आनंदित हो उठता है। दूसरी ओर ये जितने हमारे संगीत के विद्वान हैं, ये बड़े सरस, बड़े सरल, बड़े मधुर और निरंतर इस रस का पान कर रहे हैं, बहुत बड़े भागी हैं। आज इस परम पुनीत अवसर पर एक ऐसा ये कुछ क्षणों में विशेष आयोजन हो रहा है। हम समझते हैं कि जितने भी यहाँ उपस्थित महानुभाव हैं, सभी को परम प्रसन्नता होगी। हमारे वैष्णव चतुष संप्रदाय है, उन चार संप्रदायों में एक निम्बार्क संप्रदाय है,
जिसका अखिल भारतवर्षीय निम्बार्काचार्य पीठ आपके राजस्थान में ही किशनगढ़ के निकट है, जिसका प्राचीनतम नाम निम्बार्क तीर्थ है, जो पौराणिक तीर्थ है, किंतु बाद में सलीमाबाद नाम से वो प्रख्यात हुआ। प्राचीनतम नाम निम्बार्कत परम तीर्थम न भूतम न भविष्यति, ये पद्म पुराण का वचन है, पूरा एक अध्याय है। ये पुष्करारण्य क्षेत्र में है, परम पवन तीर्थ है। इस निम्बार्क संप्रदाय के आद्य आचार्य सुदर्शन चक्रावतार श्री भगवान निम्बार्क आचार्य चरण दक्षिण भारत में आविर्भूत हुए, उत्तर भारत में ब्रज में ब्रजमंडल में श्री गिरिराज गोवर्धन के निकट आपने तपश्चर्या की, आराधना की, भगवान राधा माधव की आपने स्वाभाविक द्वैताद्वैत सिद्धांत का प्रवर्तन किया, भगवान राधा कृष्ण की मंगलमयी रसमयी निकुंज रस की उपासना युगल सरकार की, श्यामा श्याम की, भगवत जनों को प्रदान की। श्री निम्बार्क भगवान जिन्होंने संपूर्ण विश्व के लिए दिव्य प्रेरणा प्रदान की है, दिव्य उपदेश प्रदान किया है, और जो अभी बापू बतला रहे थे कुछ क्षणों पूर्व, जिस भक्ति तत्व का निर्वचन कर रहे थे गुह के प्रसंग में, उसी भक्ति का संकेत प्रभु प्रकट क्यों होते हैं, प्रभु के अवतरण का क्या हेतु है, इसका बड़ा सुंदर संकेत किया है श्री निम्बार्क भगवान ने अपने वेदांत कामधेनु दश श्लोकी में। भक्ते क्षयोपात सुचिंत विग्रहात्, ये असुर संहारादि जो कार्य हैं वो तो संकल्पादेव तत्ते हैं, संकल्प मात्र से ही कर सकते हैं, वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यता कर्तुम सर्वसमर्थ हैं, उनके लिए कोई दुष्कर कार्य नहीं है। किंतु भक्तों के अंतर्मानस में माता यशोदा और माता कौशल्या ये अपने हृदय में भावना करती है कि जो क्षराक्षरातीत है, जो जगन नियंता है, जो जगदाधार है, जो सर्व सर्वद्रष्टा हैं, सर्वज्ञ हैं, जो सर्वेश्वर हैं, जो जगन नियामक हैं, वे प्रभु परतत्व परमात्मा सर्वेश्वर स्वयं बाल रूप में हमारे इस उदरदरी में जन्म मनुज रूप से जन्म धारण करके अपने ललित लीलाओं से हमको आनंदित करें, ये जो भावना है भगवत भक्तों की, माता यशोदा की, माता कौशल्या की जो दिव्य भावना है, इसकी पूर्ति संकल्पादेव तत्ते है, संकल्प मात्र से ये कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, उन सर्वेश्वर को स्वयं ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इसलिए श्री निम्बार्क भगवान ने भक्ते क्षयोपात सुचिंत विग्रहात ये आज्ञा प्रदान की, ये उपदेश किया। उन्हें निम्बार्क भगवान का एक पावन चरित ये विचार हुआ कि ऐसा सुंदर चरित भगवत जनों को प्राप्त हो, ग्रंथों का सब अवलोकन करते नहीं किंतु आधुनिक जगत में ये जो आधुनिक यांत्रिक साधन है, इन साधनों के द्वारा आबाल वृद्ध वनिता सबको ये सरलतया बोध हो जाए, इस दृष्टि से एक निम्बार्क चरित कैसेट तैयार किया गया, वीडियो कैसेट। अभी उज्जैन कुंभावसर पर इसके दो भाग हैं, प्रथम भाग का विमोचन आपके बहुत सुप्रसिद्ध, आप सभी जानते होंगे, हमारे यहाँ अखिल भारतवर्षीय विराट सनातन धर्म सम्मेलन में भी उन्होंने पधार करके महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, राजमाता विजया राजे सिंधिया ग्वालियर, उनका निम्बार्क संप्रदाय से परंपरा से संबंध है, निम्बार्क संप्रदाय से वो दीक्षित हैं, आचार्य पीठ से उनका परंपरा से संबंध है, उनका वहाँ आगमन हुआ था निम्बार्क नगर में उज्जैन कुंभ के अवसर पर। उस समय प्रथम भाग का विमोचन उनके द्वारा हुआ, दूसरे भाग को इसलिए रखा हुआ था कि जब भीलवाड़ा पहुंचेंगे
तो भीलवाड़ा चलने के बाद श्री निम्बार्क भगवान का जो चरित्र है, दूसरे भाग का विमोचन श्री मुरारी बापू के द्वारा करावें, ये भावना थी। तो अब ये विमोचन कार्य संपन्न होने ही जा रहा है। यदि भगवत भक्तों की भावना हो तो केवल 5 मिनट के लिए इसमें क्या है आपको दर्शन को मिल सकता है, ये भक्तों की इच्छा पर निर्भर है, ये हम तो कैसे कहें। तो अधिक समय नहीं, केवल 5 मिनट के लिए इसमें कैसे क्या, क्योंकि प्रथम जो भाग है उसमें बहुत सा चरित्र निकल गया है, और इसमें दूसरा भाग में जहाँ से आरंभ हो रहा है आप दर्शन करेंगे। रामानंद सागर से हमने चर्चा की थी बंबई में, तो उन्होंने बतलाया कि यदि सरकार स्वीकृति दे देती है, दूरदर्शन से स्वीकृति, मंडी हाउस दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तब तो आपको कोई व्यय नहीं करना पड़ेगा, और यदि स्वतंत्र रूप से आप बनवाना चाहें तो 5 कैसेट के 3 करोड़ की लागत आएगी। हम सब ने ये बात सुनकर आश्चर्य किया कि साधुओं के पास में ये सब साधन बड़ा कठिन काम है। बाद में आचार्य पीठ आने के बाद एक अपना स्वतंत्र कैमरा लिया और अपने यहाँ के एक विद्यार्थी ने और रास मंडली के स्वामी श्री शिवदयाल गिरिराज प्रसाद जी वृंदावन, उनके माध्यम से ये जैसा बन पड़ा अपने आचार्य पीठ में ही ये कैसेट तैयार किया गया। अब उसका दूसरा भाग श्री मुरारी बापू विमोचन कर रहे हैं, आप दर्शन करें, अवलोकन करें, और उसके बाद चरित का दर्शन 5 मिनट के लिए होगा। उसके अनंतर फिर श्री रामायण जी की आरती और सभी कुछ जो आगे होने वाले कार्यक्रम में आप सब श्रवण करेंगे। हम तो अपने भावों को यहीं विराम देते हुए और मुरारी बापू के निकट हम ये कैसेट पहुंचा रहे हैं। हाँ, आप सब पूर्ण शांति बनाए रखेंगे इसी प्रकार।